देखो जो सोलिकी कैपेसिटर में हमने दो प्लेट्स को चार्ज कर रखे हैं, और इसके बीच का जो मीडियम है, ये जो मीडियम है इसके बीच का, ये वाली मीडियम एक पुअर इंसुलेटिंग मीडियम है, ऑब्वियसली तभी कैपेसिटर बनेगा, कंडक्टिंग मीडियम लेंगे तो फिर कैपेसिटर कैसे बनेगा। तो अब ये सोचो कि यहाँ पे एक मीडियम डाल रखा है, दिस इज अ पुअरली कंडक्टिंग मीडियम, कंडक्टिंग मीडियम, या फिर आप इसी को ही इंसुलेटर कहते हैं, और इंसुलेटर, और इस इंसुलेटर के लिए हमें डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट एंड रेजिस्टिविटी दी हुई है, रो एंड के आपको दे रखा है। अब इसको इफेक्टिवली अगर आप सोचोगे तो पुअरली कंडक्टिंग होने का मतलब क्या है कि पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ आपके चार्जेस जो है वो ट्रांसफर होने शुरू होंगे, है ना। हम क्यों मानते हैं कि चार्जेस फिक्स्ड है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि परफेक्ट इंसुलेटर है, परफेक्ट इंसुलेटर बोल के कोई चीज होता नहीं है। तो हाँ, अब ये कहते हैं कि बेसिकली यू नो पुअरली कंडक्टिंग मतलब आपको कभी भी इंस्टेंटेनियस कोई करंट कभी नहीं दिखेगी, मतलब पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट के बीच में, ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि क्वाज़ी-स्टैटिक प्रोसेस है। बट हाँ, एक चीज कॉमन, एक चीज तो पक्का है, कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस है, पक्का है उसका, है ये नहीं है, कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस है इसमें। अगर आप ये सेपरेशन बिटवीन दी प्लेट्स, अगर सोचो आप सेपरेशन बिटवीन दी प्लेट्स, ये वाली सेपरेशन है, इसको अगर आप डी मानते हो, एंड एरिया ऑफ प्लेट्स मान लो आपका ए दिया हुआ है, ठीक है, दिस डी इज सेपरेशन बिटवीन दी प्लेट्स एंड एरिया ऑफ प्लेट्स, ये मान लेते हैं हमने ए मान रखा है, ठीक है। तो इस केस में अगर मैं रेजिस्टेंस पूछू, रेजिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स कितनी है, रेजिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स कितनी है बताओ, कितनी आएगी, रो एल बाई ए, एल कितना है डी, एन एरिया तो ए हो जाएगा, एंड कैपेसिटेंस कितनी है, कैपेसिटेंस ओके एप्सिलॉन नॉट बाय डी, कैपेसिटेंस चाहिए बिटवीन प्लेट्स, तो इसको सी लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी। अब एक चीज सोच के देखो कि अगर मैं ऐसे सोचूं कि जो भी प्लेट है, मतलब दिस सर्किट इज एक्चुअली इक्विवेलेंट हो, ये दो प्लेट है, एक कैपेसिटर है बेसिकली, और इसके अक्रॉस हमने क्या कर रखा है, एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रखा है, देखो सेम सिचुएशन है या नहीं, है या नहीं है, हाँ सर राइट, ये रेजिस्टेंस है और इसकी कैपेसिटेंस है, तो ऑब्वियसली अगर आपने यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू एंड यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज दे रखा है, तो चार्ज तो यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट करेगा ना, करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आएगा, और ये चार्ज भी चेंज होके प्लस क्यू एंड माइनस क्यू में कुछ चेंज हो जाएगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, आर यू गेटिंग इट, समझ आ रही है, हाँ सर। तो ये चार्ज की वैल्यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम जब आप लिखते हो तो क्या लिखते हो, कैपिटल क्यू इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, यही तो लिखते हो, एंड टाउ की वैल्यू कितनी आएगी, हियर टाउ इज आर सी, एंड आर सी मतलब रो और आर और सी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करो, देखो ए और डी कट जाएगा, दिख रहा है आपको, हाँ सर। तो टाइम कांस्टेंट कितनी आ गई, रो के एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है, डायमेंशंस पे डिपेंडेंट ही नहीं है, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशंस एज वेल एज टाइप ऑफ कैपेसिटर, इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशंस एज वेल एज टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, एज वेल एज टाइप ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर किसी भी तरह का हो, किसी भी साइज का हो, उसका टाइम कांस्टेंट यही रहेगा, एंड दैट्स इट, यही चीज बेसिकली लीकी कैपेसिटर कहलाता है, समझ आइए, मतलब आप अगर कैपेसिटर को चार्ज करके छोड़ दोगे, किसी सर्किट से बाहर निकाल दोगे और ये एक्सपेक्ट करोगे कि उसका चार्ज हमेशा बना रहेगा, तो ये नहीं होता है, एक लंबे टाइम के बाद जाओगे तो देखोगे तो उसकी चार्ज डिके करके जीरो हो गई होगी, आर यू गेटिंग इट, हां सर। ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे तो इनिशियली स्टोर्ड एनर्जी कितनी थी, Q2/2c थी, एंड उसके बाद फिर आपकी फाइनल जब एनर्जी होगी तो कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो जो भी स्टोर्ड एनर्जी था वो सारा का सारा क्या हो गया, डिसिपेट हो गया, आ रही बात समझ में, आ रही बात समझ में, हाँ सर। द चार्जेस ऑन कैपेसिटर प्लेट विल लीक थ्रू द डाइलेक्ट्रिक मीडियम, थ्रू द dielectric medium very slowly and hence the entire energy will be lost
entire stored energy will be lost. समझे? हाँ सर. तो आज के लिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. आप स्क्रीन पे देखो, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा. The resistance of a resistor varies as R equal to R naught into 1 plus AT plus BT square, where A, B are constants and T is temperature. Find the temperature coefficient of resistance at temperature T equal to A by B. अब इसमें एक चीज अगर आप देखोगे, normally जो आप लिखते थे जब हम temperature coefficient of resistance पूछते हैं, तो delta R by R की value को आपको याद है कि वो हम alpha into delta T लिखते हैं, याद है आपको? ये बेसिकली कहां से आता है? ये कहां से आता है? R equal to R naught into 1 plus alpha T, याद है? अल्फा डेल्टा टी, याद है? याद है? राइट? बट इस केस में देखोगे अगर आप, इस केस में हम जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जिसकी बात करते हैं, वो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज अ कांस्टेंट ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर. वो एक काफी बड़े टेम्परेचर रेंज में उसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट होती है. एक मिनट, जैसे सेकंड, मुझे लगता है स्क्रीन फ्रीज हो गई है. स्टार्टिंग में प्रॉब्लम है. Just a second. हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये जब R equal to R naught R equal to R naught into 1 plus alpha delta T लिखते हो आप, तो इसमें alpha की value constant होती है एक wide range of temperature पे. This alpha is constant over a wide range of temperature. तब जाके आप इसको valid मानते हैं. Then it's valid. समझ आ रही है? इसका मतलब अगर रेजिस्टेंस लीनियरली वेरी कर रही है टेम्परेचर के साथ, तब आप कह सकते हो कि अल्फा इज कांस्टेंट ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर. बट अगर अल्फा टेम्परेचर का लीनियर फंक्शन नहीं है, तब आपकी जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो भी आपकी टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी होगी. तो अब इसकी वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करोगे? वी जस्ट रिप्लेस डेल्टा आर बाई डी आर एंड डेल्टा टी बाई डी टी, दैट्स इट. तो इस केस में अगर आपको इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट करना है, इंस्टेंटेनियस मतलब एट अ टेम्परेचर टी अगर कैलकुलेट करना है, instantaneous coefficient of temperature coefficient of resistance, temperature coefficient of resistance at temperature T अगर निकालनी है आपको, at temperature T निकालनी है, तो अब आपको क्या करना है? बस simply alpha की value को आपको 1 by R into dR by dt लिख लेनी है. तुम अगर देखोगे तो सिमिलर एक्सप्रेशन ही है. आप इससे कंपेयर करो, आपको देखेगा सेम ही है. बस डेल्टा आर जो लिख रहे थे उसको डी आर से रिप्लेस कर दिया है, और जो डेल्टा टी लिख रहे थे उसको डी टी से रिप्लेस कर दिया. देखिए आपको, कैन यू सी एवरीबॉडी? हां सर. ठीक है, बस अब इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके अब कैलकुलेशन कर लीजिए. तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं आप 1 बाई आर नॉट इंटू 1 प्लस ए टी प्लस बी टी स्क्वेयर, एंड न्यूमरेटर में आपका आ जाएगा आर नॉट तो कॉन्स्टेंट ही है, इसको बाहर रहने देते हैं. One का constant zero, and यहाँ पे हो जाएगा a plus 2b into t आ जाएगा. यहाँ पे r naught gets cancelled out, and अब temperature की values ने a by b दे रखी है, उसको substitute कर देते हैं. तो यहाँ हो जाएगा a plus 2b into a by b divided by 1 plus a into a by b and plus b into a square by b square. यहाँ से ये cancel out हो जाना है. एंड यहाँ पे आपके पास बच रहा है 2bt था ना, और t की वैल्यू हमने a by b डाल दिया है, ठीक ही तो है. यहाँ पे ये b भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास बच रहा है 3a by 1 plus 2 times of a square by b. ये फाइनल आंसर हो गया. आप इसको चाहो तो फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे छोड़ते हैं. ठीक है, क्लियर है सबको? क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. टू वायर्स ऑफ सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया एस बट ऑफ डिफरेंट मटेरियल हैविंग कंडक्टिविटी सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर जॉइंड एट जंक्शन एंड अ करंट ऑफ आई फ्लोस थ्रू देयर सीरीज कॉम्बिनेशन. फाइंड द चार्ज एक्युमुलेटेड एट द जंक्शन. जंक्शन पे कितनी चार्ज एक्युमुलेट हो रही है आपको फाइंड आउट करना है. आप पहले ये डिसाइड कर लें कि जंक्शन पे चार्ज एक्युमुलेट हो रही है भी या नहीं हो रही है, ये पहले डिसाइड करते हैं. जो जंक्शन दिखा रखा है उसमें चार्ज एक्युमुलेशन होगा या नहीं. ऐसे करते हैं,
ये हमारा वायर है, अब इसका ये जंक्शन बना देते हैं एक बार, ये जंक्शन कंप्लीट हुआ हमारा। अब आप एक एक चीज सोचो, जैसे इसमें करंट लेफ्ट से राइट की तरफ अगर उसने दिखा रखा है, तो ऑब्वियसली इधर से आप ये मान सकते हैं कि इस डायरेक्शन में एक करंट फ्लो कर रही है आपकी, और इस डायरेक्शन में आपकी करंट फ्लो कर रही है। करंट की कंटिन्यूटी से तो आपको पता है कि करंट एक वायर में, चाहे क्रॉस सेक्शन डिफरेंट हो, क्रॉस सेक्शन सेम हो, मटेरियल सेम हो, मटेरियल डिफरेंट हो, ये बेसिकली क्या है, कंटिन्यूटी ऑफ चार्ज से रिलेटेड है। तो इसलिए जितने चार्जेस का इनफ्लो एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में होगा, उतने चार्जेस का आउटफ्लो भी हो जाना चाहिए, राइट, है ना? हाँ सर, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो करंट, इसकी वैल्यू को अगर मैं आई मान रहा हूँ, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी आप करंट आई ही लिखोगे। बट अगर हम करंट डेंसिटी फिर आप निकालना चाहते हैं, तो करंट डेंसिटी करंट पर यूनिट एरिया होती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दोनों तरफ का सेम है, तो एक चीज श्योर होकर कह सकते हैं कि आप दोनों तरफ का करंट डेंसिटी भी सेम है। मतलब यहाँ के क्रॉस सेक्शन अगर ड्रॉ करें, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन ड्रॉ कर रहे हैं, इस क्रॉस सेक्शन का अगर करंट डेंसिटी पूछा जाए और इस क्रॉस सेक्शन का अगर करंट डेंसिटी पूछा जाए, तो दोनों का करंट डेंसिटी भी हम सेम बोलेंगे, दोनों में करंट डेंसिटी हमें सेम मिलेगी। तो J1 की वैल्यू निकालो या J2 की वैल्यू निकालो, यहाँ पे ये सेम है, करंट पर यूनिट एरिया आ जाएगा, ठीक है। एरिया आपको दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन शायद S दिया था उसने, हाँ S दिया है, तो इसको I / S लिख दिया, ठीक है। तो J1 J2 भी सेम है, बट जब आप J और सिग्मा को रिलेट करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो आपको याद हो तो J की वैल्यू सिग्मा इंटू E होती थी। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करें तो दोनों कंडक्टर में डिफरेंट आएगी, J / सिग्मा आएगी। इसका मतलब जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कम आएगा, क्योंकि J के वैल्यू सेम है, राइट? समझ आ रही है आपको? समझ आ रही है? हाँ सर। तो अभी आप देखो जो जंक्शन है, उस जंक्शन के लेफ्ट साइड में देखो, आप जंक्शन के लेफ्ट साइड में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और जंक्शन के राइट साइड में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है? क्या दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है? नहीं सर, नहीं है। तो अभी आप सोच के देखो कि जितना फ्लक्स या फील्ड लाइंस एंटर कर रहा है, उतना ही फील्ड लाइंस तो बाहर नहीं जा रहा है। अगर मैं दोनों ब्लैक वाले क्रॉस सेक्शन को जो मैंने मार्क किया, उसको ही आप गॉसियन सरफेस की तरह इमेजिन करो। मतलब आप ऐसे इमेजिन करो कि हमारा एक गॉसियन सरफेस ऐसा हमने बना रखा है, जैसे ऐसे इमेजिन करो आप इमेजिन करो कि ये वाली जो बाउंड्री मैंने ड्रॉ कर रखी है, ये वाली बाउंड्री, ये पूरी की पूरी हमारी गॉसियन सरफेस है। Imagine this to be our Gaussian surface. और इस Gaussian surface में आप देखो कि electric field आपको दोनों cross section में आपको different दिखेंगे। मतलब यहाँ का electric field जो होगा, यहाँ की जो electric field होगी, इसको अगर E1 कह रहे हैं, और यहाँ की जो electric field होगी, इसको E2 कह रहे हैं, तो E1 और E2 आपकी different है। और जितनी field lines enter कर रही है, अगर जाने वाली field line same नहीं है, तो definitely charge क्या हो रहा है? Accumulate हो रहा है ना junction पे। समझ आ रही है आपको? हाँ सर। तो यहाँ पे डेफिनेट है कि कुछ ना कुछ आपके चार्जेस यहाँ पे accumulate हो रहे हैं, यहाँ पे इस junction पे। इस जंक्शन पे चार्ज का एक्युमुलेशन होगा। अब ये चार्ज एक्युमुलेटेड ही आपको निकालना, तो बस गॉसियन लॉ अप्लाई कर लेते हो। सो इस सेक्शन पे मैं गॉसियन लॉ अप्लाई कर रहा हूं, अप्लाइंग गॉसियन लॉ फॉर द सिलिंड्रिकल surface shown by a red boundary. Net flux will be equal to charge enclosed divided by epsilon naught. अब net flux निकालनी है तो क्या करेंगे? E2 into area is the outgoing flux. So E2 minus E1 into area, and that will be equal to charge enclosed divided by epsilon naught. और E2 की वैल्यू को अभी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, थोड़ा सा छोटा करेंगे स्पेस को। अब E2 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें, तो E2 की वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं J/σ1। तो इसको लिख लेंगे J/σ1 minus J/σ2, and that into area, that will be equal to charge enclosed divided by epsilon naught हो जाएगा। और J की value को आप current per unit area लिख सकते हो, तो area यहाँ से cancel out हो जाएगा, तो आपके पास Q enclosed की value जो कि बीच में है, that will be equal to
इसको आप लिख सकते हो यहाँ पे करंट इनटू एप्सिलॉन नॉट इनटू सिग्मा टू माइनस सिग्मा वन डिवाइडेड बाय सिग्मा वन सिग्मा टू, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। अब अगर जंक्शन पे आप देखोगे तो पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट हुई है या नेगेटिव चार्ज एक्युमुलेट हुई है वो भी आप बता सकते हो सिग्मा सिग्मा वन और सिग्मा टू की वैल्यू को देख के। अगर सिग्मा टू ग्रेटर देन सिग्मा वन है इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज इंक्लोज हुई है जंक्शन पे, मतलब जंक्शन पे पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट हुई है, और अगर उल्टा हुआ सिग्मा वन बड़ा हो गया तो उसके इसमें नेगेटिव चार्ज एक्युमुलेट होगा। समझ आ गई सभी को? यस सर। चलो अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये थोड़ा आसान क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, देखते सिमेट्री आपको दिखता है नहीं। हर एक ब्रांच का इसमें रेजिस्टेंस आपको आर दिया हुआ है और आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी निकालनी है। आप बताओ यहाँ पे क्या क्या आपको स्ट्राइक कर रहा है इमीडिएटली? सर मीटिंग पॉइंट का पोटेंशियल मतलब हाफ होगा। मिड पॉइंट कहाँ है यहाँ पे? मिड पॉइंट है, हाँ दो है ना, दो है, दो मिड पॉइंट्स है, ठीक है। तो उससे क्या फायदा होगा यहाँ पे? अगर मैं मान भी लूँ कि दो मिड पॉइंट्स है, जैसे यहाँ पे अगर मान लेते हैं 100 है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे आपने 50 लिख लिया, यहाँ भी 50 लिख लिया, ठीक है, इससे एडवांटेज कुछ हुआ है अभी? नहीं सर, अब हम लोग फोल्ड कर सकते हैं मतलब। हाँ, फोल्डिंग सिमेट्री आपका था यहाँ पे, तो फोल्डिंग सिमेट्री आपको पहले यूज कर लेना चाहिए था, इसको भी हटा, सॉरी फोल्डिंग सिमेट्री हम पहले यूज कर लेते, तो यहाँ पे मुझे ये लाइन ऑफ सिमेट्री पहले ही दिख गई, आपको बोलना चाहिए था कि यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री दिख रही है हमें, दिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री LOS कह रहे थे। तो इसके अबाउट आप अपने सर्किट को फोल्ड कर सकते हो, तो इसके अबाउट हम इस सर्किट को क्या करेंगे, फोल्ड कर देंगे। तो जैसे ही आपने फोल्ड किया तो आपको जो जंक्शन सेम पोटेंशियल पे दिखेगा, देखो सेम कलर से मैं हाईलाइट कर देता हूँ, देखो आपको आई होप आपको समझ आ रही है, जो भी सिमिलर कलर वाले डॉट्स दिख रहे हैं वो सारे सेम पोटेंशियल पे हो जाएंगे ना, वो जंप हो जाएंगे। समझ आ रही है आपको? हाँ सर, ठीक है। तो अब आपका सर्किट इफेक्टिवली कितना बचेगा, सिर्फ ऊपर वाला पार्ट एंड सारा रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा, होगा ना? हाँ सर, आई होप आप सबको समझ आ रही है बात। हाँ सर, ठीक है, मैं इसको एक बार जस्ट इसको जल्दी से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ से। अब देखो आराम से मिल जाएगा, अब आपको कुछ भी पोटेंशियल मार्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ए और बी अब तो आराम से दिख रहा है, दिख रहा है आपको सिंपल सा सर्किट है, सीरीज पैरेलल से हो जाए, एकदम सीरीज पैरेलल हो गया। इसमें एक काम करते हैं, इन सारे को स्मॉल आर लिख लेते हैं, ये सारा स्मॉल आर हो गया, जहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल आर के टर्म्स से कितना है, आर बाय टू है ना, स्मॉल आर इज कैपिटल आर बाय टू। समझ आ रही है आपको? क्योंकि सारा फ्लिप होके पैरेलल में आ गया था ना। तो अब आपके पास क्या दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाला पोर्शन का, देखो 2R, 2R इन पैरेलल विद 2R, तो ये R हो गया, फिर 2R इन पैरेलल विद 2R, मतलब R हो गया, तो R इन सीरीज विद R, इन सीरीज विद R, इन सीरीज विद R, दिख रही है आपको? हाँ सर, 4R, ठीक है, सो R इक्विवेलेंट आपको मिल जाएगी, सो देयरफॉर R इक्विवेलेंट इज R इन सीरीज विद 2R इन पैरेलल विद 2R इन सीरीज विद 2R in parallel with 2R in series with R, and therefore this becomes 4R, and therefore this becomes 2 times of R. Clear is abhiko? Haan sir. Yes sir. ये infinite grid का है, आपको infinite grid का capacitance में क्या कह रहा था, questions याद है आपको? Capacitance में infinite grid के questions कराए थे, याद है आपको? Haan sir. उसमें approach क्या था अगर आपको याद हो तो, कि हम क्या करते थे, इंडिपेंडेंटली टर्मिनल ए से हम मानते थे कि चार्ज क्यू एंटर कर रहा है, और इंडिपेंडेंटली हम लोग टर्मिनल बी से चार्ज क्यू को बाहर निकाल लेते थे, एंड फिर सुपरपोजिशन लगाते थे कि दोनों अगर साइमल्टेनियसली हो रही है
तो फिर बीच के ब्रांच में आपको कितना चार्ज फ्लो करता हुआ दिखेगा, राइट, है ना? समझ आ रही है आपको? ठीक है, समझ आ रही है? तो एग्जैक्टली सेम चीज यहां पे भी करना है हमको. टर्मिनल ए से इंडिपेंडेंटली करंट आई को एंटर कराना है, फिर टर्मिनल बी से इंडिपेंडेंटली करंट आई को बाहर निकाल लेना है, एंड फिर दोनों का सुपरपोजिशन लगा देना है कि दोनों एक साथ हो रहा था. तो अभी एक एक करके दोनों काम करते हैं हम लोग, ठीक है? तो लेट अस डू इट. ये दोनों का सुपर पोजिशन बेसिकली मैं लगाने वाला हूँ. सो टर्मिनल ए से यहाँ पे एक वायर निकाल लेते हैं, ऐसे सोचते हैं कि यहां से करंट आई एंटर कर रही है. तो ये करंट आई जो एंटर करेगी ये कितने ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है? सिक्स ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है. तो बीच वाले जो ब्रांच है उसमें करंट कितनी जाएगी? आई बाय सिक्स, ठीक है? सेम अप्रोच से अभी टर्मिनल बी से हम करंट बाहर निकाल लेंगे. We'll take out current I from here. तो ये current कहाँ से आ रही है? छह branches से आ रही है. तो बीच वाले branch में current कितना होगा? I by 6 होगा. I by 6. अब इन दोनों का superposition करना है, मतलब दोनों को simultaneously करता हुआ दिखाना है. तो दोनों का simultaneously हो रही है. तो terminal A से terminal B के बीच में आपको क्या दिखना है यहाँ पे? This is terminal A, this is terminal B, और इनके बीच का ये branch है. और आपने क्या किया था यहाँ से? इस तरफ से current I send किया था. और इधर से करंट आपको मिली है I by 6 प्लस I by 6 मिली है. और इधर से फिर आपने क्या किया? करंट बाहर निकाल लिया. आ रही है बात समझ में आपको? सर वो दो बार कैसे हुआ? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से, क्योंकि आपने दोनों तो इंडिपेंडेंटली किया ना. आपने टर्मिनल ए से करंट I सेंड किया, तो उधर से I by 6 का करंट ए से बी में जा रहा था, और टर्मिनल बी से आई का करंट बाहर निकाला. तो टर्मिनल ए से बी का जो ब्रांच है उसमें आई बाय 6 जा रहा था. अब दोनों अलग अलग तो आप नहीं कर रहे हो, दोनों तो एक साथ कर रहे हो ना? यस सर. तो दोनों को सुपरपोज कर दो, मतलब फर्स्ट डायग्राम को सेकंड डायग्राम के ऊपर उठा के रख दो. तो आपको बीच वाले ब्रांच में कितना करंट दिखेगा? बीच वाले ब्रांच में कितना करंट दिखेगा? ए बी वाले ब्रांच आई बाय 6 प्लस आई बाय 6 दिखेगा ना? यस सर. ठीक है, तो ये सिचुएशन हो गई आपके पास. तो अभी अगर आप देखोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी अगर लिखोगे आप, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी लिखोगे तो क्या लिखोगे आप? आई बाई 6 प्लस आई बाई 6 एंड इनटू आर, यही तो लिखोगे ना आप? लिखोगे? यस सर. तो ये कितनी हो गई है? सर आई बाई 3 इनटू आर हो गई है. तो अब आर इक्विवेलेंट निकालने का तरीका क्या होता है? हाउ डू यू फाइंड आउट आर इक्विवेलेंट? आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी डिवाइडेड बाई टोटल करंट जो बैटरी से ड्रॉ होता है, राइट? ये तो करते हैं ना आप? हाँ सर. और बैटरी से करंट आई ड्रॉ हुआ है, ये तो दिख ही रहा है आपको. टर्मिनल ए में आपका करंट आई जा रहा है, टर्मिनल बी से करंट आई बाहर निकल गया. तो वी बाई आई चाहिए बेसिकली आपको, वी ए बी बाई आई चाहिए. तो वी ए बाई आई कितनी आ रही है आपकी? आर बाई 3. आर बाई 3 यही फाइनल आंसर होगा. समझ आई? ये सेम अप्रोच हमने कैपेसिटर्स वाले क्वेश्चन में भी किया था, सेम अप्रोच था. बस यहाँ पे करंट का डिविजन कर रहे हैं, वहाँ पे चार्ज. ये एक अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसको ट्राई करो, इसको ट्राई करो, आप लोग ट्राई करो, मैं आपको टाइम देता हूँ. हुआ आप लोगों का? हुआ नहीं सर. देखो मैंने आपको क्या बताया था, आपको याद है कि जब भी ऐसा एक कंडक्टिंग वायर में करंट निकालना हो जिसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, जिसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो तरीका क्या होता है, याद है आपको? उससे कनेक्टेड जो बाकी ब्रांचेस हैं जिसमें रेजिस्टेंस है उसका करंट आप फाइंड आउट कर लो, एंड उसके बाद फिर आप किरचॉफ्स करंट लॉ लगा लो, याद है आपको? हाँ सर. हाँ, तो सेम अप्रोच आपको यहाँ पे भी फॉलो करना है. आपको ए बी का करंट ऐसे डायरेक्टली आप तो निकाल नहीं पाओगे क्योंकि उसमें कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस वाला तरीका तो काम करेगा नहीं. तो आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा किसी तरह से. अगर सोचो, मैं किसी तरह से मैं कह रहा हूँ कि अगर ये करंट पता चल जाए आई कितना है और ये करंट पता चल जाए आई वन कितना है, तो इस ब्रांच में कितना करंट जाएगा? आई माइनस आई वन जाएगा, नहीं जाएगा? हाँ सर. अब आई हम निकाल सकते हैं अगर मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता चल जाए सर्किट का, तो वी नॉट से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को डिवाइड करके हम लोग आई निकाल सकते हैं. हाँ सर. राइट,
एंड फिर वी नॉट अगर हमें आई वन पता चल जाए, आई वन कैसे पता चलेगा, अगर किसी तरह से भी करंट डिविजन के फॉर्मूले से या फिर आप किसी तरह से भी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ये वाला आर निकाल पाए तो आपको आई वन मिल जाएगा एंड फिर आप उससे सब्ट्रैक्ट करके फिर आप आई माइनस आई वन निकाल पाओगे. अब ऐसे सर्किट को सॉल्व करने का तरीका आपको सिखाया था कि जैसे आप जंक्शंस को नेम करते हैं और जो जंक्शंस आपको सिमिलर पोटेंशियल पे दिखते हैं आप उनका क्लब करते हो, एक ही पॉइंट पे एक ही मतलब एक ही ग्रुप बनाते हो और उसके बाद फिर सर्किट को रीड्रॉ करते हो. तो सेम अप्रोच मैं यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ. अब देखो एक बार यहाँ पे मैं यहाँ पे अपनी तरफ से कुछ नाम देता हूँ इनको. लेट अस से दिस इज सी, दिस इज लेट अस से दिस इज डी, दिस इज ई, दिस इज एफ एंड दिस इज जी. मैं एक बार सर्किट को रीड्रॉ कर रहा हूँ. तो ए बी सी डी सेम पोटेंशियल वाले टर्मिनल्स हैं तो उनको मैं एक साथ क्लब करके रख रहा हूँ. ए बी सी एंड डी ये सारे एक ही पोटेंशियल पे आ गए. फिर ई ई आपका अलग है एंड एफ अलग है और जी अलग है. ई अलग, एफ अलग, जी अलग. तो यहाँ पे हम लोग ऐसा करते हैं डी से ई भी जा रहा है, डी से एफ भी जा रहा है एंड ई और एफ के बीच में भी है. अच्छा यहाँ से ई कर लेते हैं, फिर यहाँ से एफ कर लेते हैं और यहाँ से जी कर लेते हैं. ठीक है, अब रेजिस्टेंसेस एक बार कनेक्ट करते चले जाते हैं. सी से आर के बीच में एक रेजिस्टेंस है, दिस इज आर, ये है सी टू ए, ठीक है ना, C to E. फिर आएगा आपका D से E. This is again R and this is from D to E. फिर आपका आ रहा है, ये दोनों हो गया. फिर E से F के बीच में एक आ रहा है, E से F के बीच में एक आर, इसको तो लिखने का जरूरत नहीं है, एक ही ब्रांच है सर. फिर आपका D से F के बीच में एक आर है, D से F के बीच में, इसमें भी लिखने की जरूरत नहीं, ऐसा एक ही ब्रांच है. D से F के बीच में आर हो गया. फिर B से G के बीच में आर है, B से G के बीच में एक आर है. B से G के बीच में R हो गया, B से G हो गया, D से F हो गया, अभी F से G के बीच में R है. Let us just count the number of resistance that we have connected so that we do not forget one. 1, 2, 3, 4, 5, 6 resistance हो गए. 1, 2, 3, 4, 5, 6 complete है. ठीक, अब आपको A से G के बीच में बैटरी कनेक्ट करना था. ठीक है, तो यहां से I आ रही थी एंड यहाँ से आई निकल जा रही थी, सही है ना. देखो एक बार चेक कर लो सर. हाँ ठीक है, अभी देखो सर्किट काफी सिंप्लीफाई हो गया, दिख रही है आपको, आई होप सबको दिख रही है. ये वाली पार्ट कितनी हो गई है, R/2 राइट. फिर R/2 सीरीज विद R, 3R/2 हो जाएगा. हाँ सर, ये वाली ब्रांच 3R/2 हो गई पूरी. This is 3R/2. 3R/2 in parallel with R. So 3R/2 in parallel with R, in series with R, in parallel with R. This is R equivalent. ठीक है ना, एक बार चेक करो, एक बार कंफर्म करके बता दो अगर समझ आ रही है आपको. हाँ सर ठीक. So, अभी आपके पास जो रेजिस्टेंस आ रही है दैट इज 3R/2 इन पैरेलल विद आर. सो 3R/2 इनटू आर बाय 5R/2 प्लस आर इन पैरेलल विद आर. सो यहां से तो R/2 कैंसिल्स आउट, 3R/5 एंड प्लस आर मतलब 3R 8R/5.
सो 8R by 5 into R by 8R by 5 plus R. So what you're getting is 8R by 13. 8R by 13 is the equivalent resistance. तो जो करंट हमने निकाल रखा जिसको I लिखा है ये करंट कितनी हो जाएगी V naught divided by 8R by 13 होगी ना right? ठीक है ये करंट हमें आई मिल गया बैटरी के थ्रू बट हमको अभी नेक्स्ट करंट किसका चाहिए CE वाले ब्रांच का CE और CE वाले ब्रांच का करंट अभी कैसे निकालोगे potential. अभी आप वापस से पैरेलल करंट वाले डिवीजन मेथड लगा सकते हो यहां से देखो पहले आप इस वाले पार्ट का देखो ये वाला पूरा पार्ट ये वाला पूरा पार्ट नीचे वाला रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में है यस सर राइट यस सर और ये वाले पार्ट का रेजिस्टेंस 8R by 5 था ना हां सर राइट तो इसका मतलब मैं करंट डिवाइड कर सकता था ना डिवाइड कर सकते थे हम लोग करंट यस सर राइट तो यहां का करंट सोचो हम कितना लिख सकते थे व्हाट वुड बी द करंट ओवर हियर यहां पे करंट ये करंट आएगा किसके प्रोपोर्शनल 8R by 5 के प्रोपोर्शनल आएगा राइट पैरेलल में इनवर्सली प्रोपोर्शन में डिवाइड होता है तो इसका करंट होगा 8R by 5 डिवाइडेड बाय 8R by 5 प्लस R एंड दिस मल्टीप्लाइड विद I आपको बात समझ आई सर ठीक है सो दिस करंट इज 8I by 13 आ रही है 8I by 13 इधर जा रही है तो बाकी ब्रांचेस में कितना करंट जा रहा होगा 5I by 13 है ना मतलब यहाँ का करंट मैं कह सकता हूँ दिस करंट इज बेसिकली 5I by 13 समझ आई यस सर ठीक है अब ये करंट वापस से देखो दो जो 5I by 13 मैंने लिखा है वो भी देखो दो ब्रांच से हो क्या रहा है यहाँ से हो क्या रहा है आ रहा है हाँ सर और अगर आप देखोगे तो ये वाला पूरा ब्रांच नीचे वाले आर के साथ पैरेलल में है सर हाँ राइट हाँ सर इसका मतलब मैं यहाँ के करंट को अगर चाहो तो यहाँ के करंट को तो मैं लिख सकता हूँ 3R by 2 के प्रोपोर्शनल होगा तो 3R by 2 divided by 3R by 2 plus R and this multiplied with the current which is 5I by 13 आई बात समझ में आपको did you understand yes sir तो ये देखो अभी 3I by 13 हो गई है ठीक है ठीक है अब ये 3i by 13 देखो ये 3i by 13 जो है वो कहां से आया है ये 3i by 13 आया है इस ब्रांच से तो इस ब्रांच का करंट कितना हो जाएगा देखो 2i by 13 2i by 13 तो दिस इज 2i by 13 अब अगर ये 2i by 13 है तो इधर तो दोनों में इक्वली डिवाइड होगा क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस इक्वल है i by 13 हां सर तो ये i by 13 i by 13 जा रहा होगा तो इसमें भी i by 13 है और इसमें भी i by 13 है समझ आई आपको यस सर यस सर ठीक है क्लियर है सभी को यस सर ठीक तो अभी हमें क्या मिल गया है आई वन मिल गया ना हमें आई बाई 13 है देखो हमारे डायग्राम में आई वन कौन सा था सी वाले ब्रांच का रेजिस्टेंस है ना और आई भी मिल चुका है और आई माइनस आई वन भी अब मिल जाएगा सो देयरफॉर करंट इन ब्रांच ए बी करंट इन ब्रांच ए बी इज आई माइनस ऑफ आई वन विच इज 13 V naught by 8R minus of I1 which was I by 13 तो ये हो जाएगा V naught by 8R so this becomes 12 V naught divided by 8R which is 3 V naught by 2R that is the answer did you understand yes did sir. you understand आई बात समझ में आपको हाँ सर ठीक है ये अप्रोच ऑलरेडी सिखाया था बट यहाँ पे काफी सारा सीरीज पैरेलल आपको करना पड़ता है इसलिए मैंने अलग से करके आपको दिखा दिया है ठीक है ये अप्रोच याद रखिए ये अप्रोच आपको ध्यान रखनी है कि जब भी किसी भी ऐसे वायर में करंट पूछा जाए जिसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो मुझे कहीं ना कहीं बाकी ब्रांचेस का रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा जो उस ब्रांच से कनेक्टेड है एंड देन फिर किरचॉफ्स करंट लॉ लगा लेना है ठीक है हाँ सर चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन रिटर्न करते हैं यहाँ पे हमें करंट थ्रू 4 ओम्स का रेजिस्टेंस निकालना है ये तीन लूप है यहाँ पे
मैंने तीन लूप के क्वेश्चन एक भी नहीं कराए थे क्लास में, तो इसलिए यहाँ पे करा लेते हैं, क्योंकि हो सकता है आपके इंजीनियरिंग में एग्जाम्स तो आ सकते हैं, मेडिकल में कभी नहीं आ सकते, बट इंजीनियरिंग एग्जाम्स में ये सब कॉमन है, आ ही सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, वापस से पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दो बैटरी है तो किसी एक जंक्शन को हम लोअर पोटेंशियल पे मान लेते हैं, तो इसको जीरो मान लिया, यहाँ पे 20 लिख लिया, अब तो कहीं पे पता नहीं हमें, तो अब एक वेरिएबल से फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो इसको हम x मान लेते हैं, तो यहाँ पे x प्लस 10 हो जाएगा, यहाँ पे भी ऑब्वियसली x प्लस 10 रहेगा, यहाँ पे भी x प्लस 10 रहेगा, अब तो हमें कहीं पता नहीं है, अब एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा, यहाँ पे y मान लेते हैं। तो वेरिएबल हमारे पास सर्किट में दो है, तो दो वेरिएबल के लिए दो इक्वेशन लिखना है एंड फिर इक्वेशन को सॉल्व करना है। आप अगर करंट लॉ से अगर यूज करते, मतलब जो पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से अगर नहीं करते हो, तो आपको कितने नंबर ऑफ वेरिएबल चूज करने पड़ेंगे, आपको समझ आ रहा है? कितने चूज करेंगे? अगर मान लो कि कोई उस अप्रोच से करता, तो क्या करता हुआ, जैसे करंट, वो तो उसमें उसमें क्या करते हैं, बेसिकली करंट मानते हैं अलग अलग ब्रांचेस में, तो यहाँ पे करंट अगर आई मानोगे, तो यहाँ पे करंट डिवाइड होता दिखाओगे, तो यहाँ पे आई वन दिखाओगे, तो यहाँ पे आई माइनस आई वन दिखाओगे, फिर यहाँ पे आप आई टू दिखाओगे, तो यहाँ पे आप आई वन माइनस आई टू दिखाओगे, समझ आ रही है आपको? फिर यहाँ पे आप दिखाओगे तो ये दोनों करंट एडअप हो जाएगा, तो I माइनस आई वन एंड प्लस आई टू आएगा। तो वेरिएबल कितने में आपके पास, तीन वेरिएबल में दिख रहा है, I, आई वन, आई टू, दिख रहा है आपको? Can you see that? Yes, sir. और तीन वेरिएबल के लिए तीन इक्वेशन आपको चाहिए होंगे, और वो इक्वेशन कहाँ से लाएंगे आप? तीन लूप है, तो तीनों लूप में इंडिविजुअली केवीएल लगाओगे, आपको वैल्यूज मिल जाएगा, ठीक है। बट मैं उससे, उसमें तीन वेरिएबल है, जबकि हमारे मेथड में आपका दो वेरिएबल ही आ रहा है, एंड मैंने आपको बताया भी था ये क्यों आता है, क्योंकि हम एक कंडीशन को एक्सप्लोर कर रहे हैं, और वो ये है कि हमने एक पोटेंशियल को, सर्किट के एक पॉइंट को हमने जीरो पोटेंशियल पे मान लिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ जीरो पोटेंशियल होती है। अब बस मुझे एक्स और वाई की वैल्यूज निकाल लेनी है, तो एक्स से कनेक्टेड जितने ब्रांचेस हैं, उन ब्रांचेस का करंट का सम इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो एक्स से कनेक्टेड कितने ब्रांच है, एक, दो, तीन, बट ये तीसरे ब्रांच का क्या करंट आप डायरेक्टली निकाल सकते हो? नहीं सर, तो यहाँ से आप वापस से डिवीजन हुआ है, तो इधर का एक ब्रांच गया है और एक इधर का ब्रांच गया है, तो इन दोनों ब्रांच का आपको करंट का वैल्यू लेना है, तो इस ब्रांच से इधर करंट जा रही है और इस ब्रांच से इधर करंट जा रही है, तो इनका भी लेना पड़ेगा, मतलब जंक्शन एक्स पे चार ब्रांच है इफेक्टिवली अगर देखोगे तो। तो अब उसका इक्वेशन लिख लेते हैं एक बार। सो समेशन ऑफ करंट एट जंक्शन एक्स इक्वल टू जीरो लिख रहे हैं, तो अब आप इक्वेशन लिखोगे, तो आप लिखोगे एक्स माइनस जीरो बाई फोर प्लस एक्स माइनस वाई बाई टू प्लस x प्लस 10 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 प्लस x प्लस 10 माइनस y डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस इज इक्वल टू 0 आ रही है। तो यहाँ से इसको हटा ही देते हैं एंड यहाँ से 2 हो जाएगा, तो ये 2 इधर से फैक्टराइज होगा, तो 2x प्लस 2x प्लस 2x 6x प्लस x 7x, फिर यहाँ से माइनस 2y एंड यहाँ पे माइनस 2y मतलब माइनस 4y एंड फिर यहाँ पे 10 2 20 20 20 40, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी माइनस ऑफ 40 आ रही है। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। अब सेम तरीके से समेशन ऑफ करंट एट जंक्शन वाई लिखेंगे जीरो। वाई से कनेक्टेड कितने ब्रांच है, तीन है, ये तो आसान है, तो यहाँ से लिखेंगे तो वाई माइनस एक्स बाई टू, वाई माइनस 20 बाई टू एंड वाई माइनस एक्स प्लस 10 बाई 4 लिख लेंगे, ठीक है ना? हाँ सर। तो इसको ऐसे लिख रहे हैं, सो y माइनस 20 बाई 2 प्लस y माइनस x बाई 2 प्लस y माइनस x प्लस 10 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 0। अब यहां से ये टू कैंसिल आउट हो जाएगा, जिससे 2 बचेगा, तो यहां से आपके पास बच रही है 2 2 4 4y प्लस y मतलब 5y और यहाँ से माइनस 2x एंड माइनस x मतलब माइनस 3x। कैलकुलेशन एक बार देखते रहना, ठीक है। एंड यहाँ पे माइनस 20 इंटू 2 मतलब माइनस 40 एंड माइनस 50 राइट हैंड साइड में जाएगा, तो बचेगा प्लस 50। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई है, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। इधर 5y है, उधर 4y है, इधर 7x 3x, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 को हम लोग क्या करते हैं यहाँ से, अच्छा हमें तो y एलिमिनेट करना है क्योंकि x चाहिए हमें, क्योंकि हमें करंट थ्रू 4 ओम्स पूछा है, तो x चाहिए, y को एलिमिनेट कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ एंड प्लस सेकेंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, तो इसको करोगे तो आपके पास 35x एंड यहाँ पे माइनस ऑफ 12x इज इक्वल टू
5 4 20 मतलब माइनस 200 एंड यहाँ पे प्लस 200, इसका मतलब x की वैल्यू जो आ रही है जीरो आ रही है, दिख रही है आपको, दिख रही है सर? और अगर x अगर जीरो आया है तो देखो 4 ओम्स के ऊपर में भी आपने जीरो चूज किया था और 4 ओम्स के नीचे में भी जीरो आ गया है, इसका मतलब कि 4 ओम्स का रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, दिख रही है? यस सर। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट भी नहीं है, करंट जीरो, राइट? सो देयरफॉर जो अपना करंट होगा दैट विल बी x माइनस 0 डिवाइडेड बाय 4 व्हिच इज 0, क्लियर है? क्लियर है? हां सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द करंट थ्रू अ रेजिस्टर आर डिक्रीज्ड फ्रॉम अ मैक्सिमम वैल्यू टू 0 लीनियरली इन अ टोटल टाइम ऑफ कैपिटल टी सच दैट द चार्ज फ्लोन इन दिस टाइम वाज डेल्टा क्यू, फाइंड द टोटल हीट एनर्जी डिसिपेटेड। टोटल हीट एनर्जी कितनी डिसिपेट होगी आपको फाइंड आउट करनी है। ये वेरिएबल करंट का है, अगर आपको कांस्टेंट करंट मिलती है तो फिर तो आप हीट एनर्जी निकालने के लिए डायरेक्टली आई स्क्वायर आर टी कर लेते हैं, बट अगर वेरिएबल करंट मिलती है तो फिर आप क्या करते हो, आई स्क्वायर आर डी टी करते हो और उसके बाद फिर इंटीग्रेट कर लेते हो, मतलब डी एच निकालने के लिए पहले आई स्क्वायर आर डी टी करेंगे एंड फिर आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको टोटल हीट एनर्जी मिल जाएगी। तो इसमें क्या है कि जो पहले तो आपको करंट की वैल्यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालनी पड़ेगी, तो अगर मैं कंडीशन को यूज करूं तो करंट लीनियरली डिक्रीज कर रही है तो इनिशियली एक मैक्सिमम करंट होगी पक्का है, तो ये सॉरी इसको टाइम टी मान लेते हैं और यहाँ पे करंट आई मान लेते हैं और यहाँ पे करंट को लीनियरली डिक्रीज करा देते हैं, इसको मान लेते हैं ये आई नॉट है एंड इसको मान लेते हैं ये टी है, ठीक है? करंट की वैल्यू आई नॉट से टी पे डिक्रीज कर गई है इन अ टाइम कैपिटल टी, आई नॉट से जीरो रिड्यूस कर गई है इन अ टाइम कैपिटल टी। तो करंट की वैल्यू अगर लिखें तो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो माइनस ऑफ आई नॉट बाई कैपिटल टी स्लोप है इन टू टी एंड प्लस आई नॉट, ये करंट की वैल्यू तो फंक्शन ऑफ टाइम हो गई, दिख रही है आपको? आई होप इट्स क्लियर, ठीक है? I not दिया नहीं है बट ये I not को आप easily find out कर सकते हो क्योंकि उसने total time कितना charge flow किया ये उसने बता दिया, देखो they've given you कि कितना charge flow किया है, the total charge flown in this time was delta Q, तो area under current time graph आपको क्या देता है, charge flown देता है ना, देता है? हाँ sir। तो इसकी value ये delta Q ये आपसे आपको मिल जाएगी, तो delta Q की जो value है that is basically half of base into I not, तो यहाँ से basically आपको I not easily मिल जाएगा in terms of delta Q, ये आपने already find out कर लिया। अब हम हीट एनर्जी फाइंड आउट कर लेते हैं, तो हीट एनर्जी निकालने का तरीका क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएच एंड डीएच इज आई स्क्वायर आर इनटू डीटी एंड इसको जीरो से लेके कैपिटल टी तक इंटीग्रेट कर लेंगे। एंड रिजल्ट इसका याद रखेंगे क्योंकि आसान, इतना डिफिकल्ट एंड रिजल्ट नहीं है, इसका आसान सर एंड रिजल्ट है, इसको पहले स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर बाय टी स्क्वायर इनटू टी स्क्वायर प्लस आई नॉट स्क्वायर एंड माइनस ऑफ 2 आई नॉट स्क्वायर बाय टी इनटू टी एंड देन इनटू डीटी जीरो से लेके कैपिटल डी तक। अच्छा आर एक रहेगा, आर बाहर रहेगा, सो यहाँ से मिल रही है हमें आर एंड यहाँ से आई नॉट स्क्वायर बाय टी स्क्वायर एंड टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन विल बी टी क्यूब बाय थ्री कर लिया प्लस आई नॉट स्क्वायर एंड इनटू टी एंड माइनस ऑफ 2 आई नॉट स्क्वायर बाय कैपिटल टी इनटू टी स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जा रहा है आपस में, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो गई है और यहाँ से टी स्क्वायर और टी क्यूब कैंसिल आउट हो गई इधर से, तो बची हमारे पास आई नॉट का स्क्वायर इनटू आर इनटू टी डिवाइडेड बाय 3, ये हीट एनर्जी डिसिपेटेड हो गई है। इसको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह याद रखिएगा, ये जब भी करंट लीनियरली डिक्रीज करती है फ्रॉम अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई नॉट टू जीरो इन लीनियरली इन अ टाइम टी, तो हीट एनर्जी डिसिपेटेड विल बी आई स्क्वायर आर टी बाय 3, समझ आ रही है? इसको याद रखिएगा स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह। एक बार अगर ये याद हो गया अब तो मुश्किल नहीं है क्योंकि आपको ये पता है कि आई नॉट की वैल्यू इज 2 डेल्टा क्यू बाई टी, उसकी वैल्यू को यूज कर सकते हैं, तो इसकी वैल्यू को हम लिखें तो यहाँ लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा क्यू बाई टी, इसका स्क्वायर करेंगे आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 3 लगा लेंगे, सो दिस बिकम्स 4 बाई 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा क्यू का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई टी इंटू आर, दैट इज द आंसर, क्लियर है? Sir. ये काफी अच्छा सा क्वेश्चन है। इन द फिगर इज शोन अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी एंड 5 अननोन रेजिस्टर्स, मतलब एक भी रेजिस्टेंस नोन नहीं है। व्हेन एन आइडियल एमीटर इज कनेक्टेड बिटवीन द टर्मिनल्स ए एंड बी
its reading is 4 amperes. And when a resistance of 3 ohms is connected in series with ammeter, its resistance becomes 2 amperes. Now the ammeter and resistance are disconnected, and an ideal voltmeter is connected between the terminals A and B. What would the voltmeter read? Reading of voltmeter आपको find out करनी है. सबसे पहली चीज इसमें क्या क्या चीजें हैं जो ध्यान रखनी है आपको, कि ideal ammeter मतलब zero resistance, याद है आपको? हाँ सर. Right? इसकी resistance आप zero लेके चलेंगे. And ideal voltmeter मतलब infinite resistance. तो इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट डेटा है. इसका मतलब पहले केस में जब उसने बोला है कि आइडियल एमीटर लगाया हमने, तो फिर उस केस में हम ए और बी को क्या कर रहे हैं, शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं, राइट? है ना, समझ आ रही है आपको? एक चीज आप हमेशा ध्यान रखो, जैसे कोई भी एक सर्किट होती है ना, कोई भी एक सर्किट होती है, उस सर्किट का कोई भी दो टर्मिनल को आप पकड़ के उसका एक इक्विवेलेंट बैटरी और उसका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी आप फाइंड आउट कर सकते हो. इक्विवेलेंट बैटरी एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं. मतलब सिंपल टर्म्स में अगर मैं बोलूं तो इस सर्किट को वी कैन रिप्रेजेंट दिस एज, मतलब टर्मिनल ए एंड टर्मिनल बी को अगर मैं ले लूं, तो टर्मिनल ए एंड टर्मिनल बी के अक्रॉस एक इक्विवेलेंट ईएमएफ और कुछ ना कुछ उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी रहेगा. मतलब इसको आप कह सकते हो दिस इज ई इक्विवेलेंट एंड दिस इज आर इक्विवेलेंट. यहाँ पे आप ये कह सकते हो ई इक्विवेलेंट इज द potential difference across A and B when ends are open. क्या बैटरी का यही डेफिनेशन नहीं है ईएमएफ का? ईएमएफ क्या कैसे डिफाइन करते हो, कि अगर आप बैटरी के थ्रू कोई करंट पास नहीं कर रही है तब जो उसका टर्मिनल वोल्टेज है वही तो उसका ईएमएफ होता है, राइट? यस सर. और आर इक्विवेलेंट क्या है यहाँ पे, जब कोई करंट नहीं फ्लो कर रही है तब जो रेजिस्टेंस है वही तो रेजिस्टेंस उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, राइट? बैटरी के ईएमएफ से कोई लेने देना नहीं है. तो इसको आप जब कह रहे हो तो ये क्या है, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी है. समझ आ रही है आपको? Yes. समझ आ रही है. ए एंड बी विथ एंड्स ओपन, ऑब्वियसली विथ एंड्स ए एंड बी ओपन, ठीक है? तो अब इस सर्किट का ऊपर वाला पार्ट को आप नेग्लेक्ट करो, ठीक है? मतलब आप ये बस सोचो कि मैंने क्या किया है, इसका अब इक्विवेलेंट एक सिंपल सा सिचुएशन मैंने ड्रॉ कर लिया है. अब इसके दोनों केसेस को आप इंडिविजुअली कंसिडर करो कि क्या होने वाला है. तो इंडिविजुअली अगर आप कंसिडर करोगे तो अब फर्स्ट केस में उसने क्या किया है, ए बी के अक्रॉस एक आइडियल एमीटर लगा दिया था, शायद उसने लगाया था ना एक आइडियल एमीटर. उस आइडियल एमीटर की देखो रीडिंग उसने बता रखी थी कितनी थी, its reading is 4 ampere. And when a resistance is connected 3 ohms ka in series with ammeter, its reading becomes 2 ampere. दिख रही है आपको? हाँ सर. तो इसका मतलब क्या, ऐसा लिखा जा सकता है कि हम इसको ऐसे सोचें, ये फर्स्ट केस है हमारा, अभी उसने यहां पे एक एमीटर कनेक्ट किया आइडियल एमीटर. और इस एमीटर की रीडिंग आई है 4 एम्पियर. तो इसका मतलब है, ऐसा लिखा जा सकता है कि E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4. तो 4 टाइम्स ऑफ R इक्विवेलेंट कह सकते हैं सर, ठीक है? आई ई इज इक्वल टू आई आर लगा लिया. फिर सेकंड केस में उसने क्या किया, यहाँ पे उसने बोला है कि यहाँ पे उसने एक रेजिस्टेंस भी इसके साथ सीरीज में ऐड किया हुआ है.
यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ऐड किया, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू उसने दे रखी है 3 ओम्स का है एंड रीडिंग होगी 2 एम्पियर. दिस इज 3 ओम्स और यहाँ पे अब I2 रीड्स 2 एम्पियर. क्लियर है? क्लियर है. तो अब अगर इक्विवेलेंट की वैल्यू लिखोगे तो कैसे लिखोगे आप? इक्विवेलेंट विल बी 2 × 3 + R equivalent. लिख सकते हैं इसको ऐसे? Yes. I hope it's clear. Yes, sir. अब सोचो जो थर्ड केस है, थर्ड केस में आपको बस सिंपली क्या निकालना है? ओपन सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस ही तो निकालना है जो कि EMF है ही नहीं है, जिसमें वोल्ट मीटर आप लगा रहे हो. तो वोल्ट मीटर तो आइडियल है, कोई करंट फ्लो नहीं करने देगा, राइट? है ना? हाँ सर. बाकी लोग क्लास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या सिर्फ और कोई क्लास कर रहे हैं? बाकी लोग कर रहे हैं? हाँ सर. हाँ सर. यहाँ पे आपने वोल्ट मीटर लगा रखा है और अब आपको पता है करंट आपकी जीरो आएगी थर्ड केस में, क्योंकि ये ओपन सर्किट कर देगा. तो इसका मतलब है जो वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी, जो वी रीड करेगा, वो क्या रीड करेगा? इक्विवेलेंट ईएमएफ ही तो रीड करेगा. समझ आई आपको? यस सर. इसका मतलब इक्विवेलेंट ईएमएफ आपको निकालनी है. अब ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन की हेल्प से देखो आप आराम से निकाल सकते हो. फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन में कौन सी चीज को आपको एलिमिनेट करनी है? आर, आर इक्विवेलेंट, है ना? तो इसको लिख सकते हो ना, दिस इज 6 + 2 times ऑफ आर इक्विवेलेंट एंड आर इक्विवेलेंट इज इक्विवेलेंट ईएमएफ डिवाइडेड बाय 4. तो यहां से 2 आ जाएगा एंड अगर आप ध्यान से देखोगे तो इक्विवेलेंट ईएमएफ आपको मिल गई है 12 वोल्ट आ रही है. इस मतलब यहां से आपका रीडिंग आपका 12 वोल्ट आ जाएगा. 12 वोल्ट विल बी द आंसर. ये देखो आपका 12 वोल्ट आंसर आ जाएगा. समझ आई है? समझ आई है सभी को? समझ आइए सभी को? हाँ सर. अगर आप ये इक्विवेलेंट ईएमएफ फाइंड आउट करना चाहते थे, मतलब जैसे मान लो कि अगर आपको सच में वैल्यूज वगैरह दिया होता, जैसे ये जो 5 रेजिस्टेंस है उस सब की वैल्यूज वगैरह भी दी हुई है, तो आप कैसे फाइंड करोगे? नॉर्मल आप जैसे सर्किट के इक्वेशन सॉल्व करते हो, आप ए एंड बी का पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब टर्मिनल ए एंड टर्मिनल बी का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर दो. जो पोटेंशियल डिफरेंस निकल रही है वही पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली उसकी इक्विवेलेंट ईएमएफ है. दैट्स इट. तो अगर आपको कभी भी किसी सर्किट में भी इक्विवेलेंट फाइंड करनी है तो आप आराम से इस तरह से निकाल सकते हैं. ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं. सर यहाँ पे हमें तो उस अलग किसी भी रेजिस्टेंस का कोई भी कुछ जरूरत नहीं पड़ा. जरूरत नहीं पड़ा इसलिए तो जरूरत नहीं पड़ा. ठीक है, मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता था साइड में. हाँ, कुछ भी हो सकता था, बट उसके अकॉर्डिंग ही वैल्यूज ऑफ करंट वगैरह भी तो चेंज करते हैं ना. अगर आप कुछ भी ले लोगे तो थोड़ी ना इसका मतलब करंट वगैरह सेम रहेगा. आप करंट की मतलब जैसे करंट जो बोल रहे हैं कि वो 4 एम्पियर का आ रहा है, तो एक गिवन सेट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए तो आ रहा है ना. अगर आप सेट ऑफ रेजिस्टेंस चेंज करोगे तो करंट की वैल्यू डिफरेंट आएगी. हाँ हाँ, पर उन वैल्यू से ही निकल जाएगा हमें. और तो ऐसा नहीं है कि जो आंसर है वो इंडिपेंडेंट ऑफ यू नो 5 रेजिस्टेंसेस है, ये बोलना गलत होगा, क्योंकि करंट वगैरह तो खुद ही रेजिस्टेंस पे डिपेंड करके ही आ रही है ना. हाँ सर. हाँ हाँ, ठीक है. सो ये मत सोचना कि इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंसेस है. ठीक है सर. ये एक इनफाइनाइट नेटवर्क है, लैडर नेटवर्क की तरह ही है. आप इसको ट्राई करो, देखो क्या आ रही है. हुआ? ट्राई किया? ट्राई किया? मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही है? Yes, sir. तुम देखो इसमें से, अगर तुम देखोगे तो कुछ रेजिस्टेंसेस का कुछ भी काम नहीं है. कौन से रेजिस्टेंसेस हैं वो? ये वाले, ये वाले, ये वाले, इन रेजिस्टेंसेस का कोई काम नहीं है. जस्टिफाई कर सकते हैं आप? सर क्योंकि ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज का, ये तो मतलब मिड पॉइंट वाले कंडीशन से भी आप देख सकते हो ना. आप देखो ये वाली जो पॉइंट है, ये वाली जो पॉइंट है, देखो इस पॉइंट से टर्मिनल ए के थ्रू अगर जाओ या टर्मिनल बी के थ्रू जाओ,
देखो आइडेंटिकल नेटवर्क मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? मिल रहा है? इस पॉइंट से आप वापस से देखो, इस पॉइंट से आप टर्मिनल ए की तरफ जाओ एंड टर्मिनल बी की तरफ जाओ, देखो आपको आइडेंटिकल नेटवर्क मिल रहा है नहीं मिल रहा है? यस सर। सेम चीज यहां से भी देखो, सेम चीज इसके आगे से भी देखो, तो आपको दिखेगा कि ये सारे पॉइंट्स बेसिकली क्या है, मिड पॉइंट या सर्किट के, और इसीलिए बीच का रेजिस्टेंसेस का कोई काम नहीं है। समझ आ रही है आपको? हाँ सर। डिड यू अंडरस्टैंड? तो ये वाले सारे ब्लू कलर के जो डॉट्स मैंने मार्क कर रखे हैं, ये सारे बेसिकली इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स होंगे, और वो सारे बेसिकली जस्ट द एवरेज ऑफ द टर्मिनल टू टर्मिनल्स या द पोटेंशियल ऑफ ए एंड बी आप कह सकते हो। ऑल डॉट्स आर मिड पॉइंट्स ऑफ सर्किट, मिड पॉइंट्स ऑफ सर्किट एंड hence the resistances connected between them are of no use, कोई काम का नहीं है। अब आप क्या करोगे, अब आप इस सर्किट को तोड़ो। पहले आपको टर्मिनल ए और बी के बीच में निकालने के लिए बोला है, तो ए बी का राइट right वाला पार्ट का अगर मैं रेजिस्टेंस निकाल लो तो लेफ्ट वाले पार्ट का भी तो सेम ही होगा। Identical, हाँ सर। समझ आ रही है? तो आप पहले एक हाफ के बारे में सोचो कि एक हाफ का रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे। ये हमारा पार्ट है बेसिकली, देखो तो ऐसा ही है ना। हाँ सर। ये टर्मिनल ए है और ये टर्मिनल बी है। मैं भी राइट वाले हाफ का ही सिर्फ सोच रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ राइट वाले हाफ का। लेफ्ट वाले हाफ का फिर जस्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन कर देंगे उसके साथ। तो अभी आप ये चेक करो कि इसको हम लोग वापस से वो लैडर नेटवर्क के कंसेप्ट से कर सकते हैं क्या। यहां से अगर मैं सर्किट को ब्रेक कर दूं, यहां से देखो क्या यहां से ही रिपीटिंग यूनिट है? हाँ सर। दिख रही है? इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे इसको सर्किट को कुछ नाम दे दूं, यहाँ पे टर्मिनल्स को, इसको मैं कह देता हूँ ये सी एंड डी है, तो ए बी के क्रॉस जो रेजिस्टेंस आएगा सी डी के क्रॉस भी तो सेम ही होगा ना। समझ आ रही है आपको? समझ आ रही है? हाँ सर। ये जो ए बी के क्रॉस आप रेजिस्टेंस निकालोगे, इसको अगर मैं एक्स मान लेता हूँ तो सी डी के क्रॉस भी एक्स ही आएगा। तो इसका मतलब है ये सारे रेजिस्टेंस आर थे, ध्यान रखना ये सारे रेजिस्टेंस आर है, ये सारे रेजिस्टेंस आ रहे हैं। तो इस केस में आप क्या लिखोगे आप? सो देयरफॉर रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी इज इक्वल टू आर इन सीरीज विद, यहाँ पे हो जाएगा 2R इन पैरेलल विद 2R एंड इन पैरेलल विद X, मतलब जो कि रेजिस्टेंस अक्रॉस CD है एंड इन सीरीज विद R, दिस इज रेजिस्टेंस अक्रॉस CD। समझ आ रही है आपको? हाँ सर। ठीक है, तो अभी ये क्या हो गया, ये हो गया 2R इन सीरीज मतलब प्लस हो जाएगा एंड दिस विल बी 2R इन पैरेलल विद R मतलब R RX बाय R प्लस X हो जाएगा एंड रेजिस्टेंस अक्रॉस AB भी क्या आना चाहिए आपका, ये आनी चाहिए आपकी X। तो यहां से इसको सिंपलीफाई करें तो हो जाएगा RX प्लस X स्क्वायर इज इक्वल टू 2R स्क्वायर प्लस 2RX प्लस RX, RX RX कैंसिल्स आउट एंड आपके पास इक्वेशन आ रही है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2RX एंड प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2RX माइनस 2R स्क्वायर इक्वल टू जीरो आ रही है। तो X की वैल्यू आई आपके पास 2R प्लस माइनस ऑफ 4R स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस 4AC 4 टू 8 8R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। नेगेटिव रेजिस्टेंस तो हो नहीं सकती है तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास R प्लस रूट 3R आ जाएगी। तो ये X की वैल्यू आ गई है, मतलब राइट हाफ का जो रेजिस्टेंस है वो आया है R प्लस रूट 3R, तो ऑब्वियसली लेफ्ट हाफ का भी रेजिस्टेंस सेम आएगा। और बीच में एक कॉमन यूनिट है जो दोनों के साथ, दोनों में किसी में इंक्लूड नहीं हुआ था। देखो ये वाला जो यूनिट है इसको मैंने क्या लेफ्ट हाफ या राइट हाफ में किसी में भी इंक्लूड कर पाया है इसमें? नहीं। समझ आ रही है सबको?
राइट हाफ में ये इंक्लूड नहीं हुआ, लेफ्ट हाफ में भी ये इंक्लूड नहीं हुआ. तो ये वाला पार्ट राइट हाफ एंड लेफ्ट हाफ दोनों के साथ क्या है, पैरेलल में. आपको बात समझ आ रही है, समझ आई है सभी को? तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अब लिख लेते हैं यहाँ पे. सो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है अक्रॉस ए बी, दैट विल बी एक्स इन पैरेलल विथ टू आर, इन पैरेलल विथ टू आर एंड इन पैरेलल विथ एक्स. समझ आइए सभी को, देखो एक बार चेक करो. हाँ सर. ठीक है, तो x in parallel with x तो x by 2 हो जाएगा and in parallel with r, x आप निकाल चुके हो, r into root 3 plus 1 है, तो r into root 3 plus 1 by 2 into r, r into root 3 plus 1 divided by 2 plus r. So this becomes, ये हो जाएगा आपके पास root 3 plus 1 root 3 plus 1 r divided by root 3 plus 3, मतलब 3 common ले लें तो root 3 plus 1 फिर से, तो ये हो गई r by, sorry root 3 common ले लें तो r by root 3 आ रही है, that is the final answer. समझ आई है? Yes sir. Sir, what resistance across AD कौन सा वाला है? यही तो निकाला फाइनल आंसर, जो निकाला आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी. डायग्राम में क्या कंफ्यूजन है पूछो. अरे कैसे एक लाइन बस बोल के छोड़ दिया है, क्या कंफ्यूजन है मुझे समझ नहीं आया. सर टू आर पैरेलल विद टू आर फिर पैरेलल विद एक्स. हाँ तो एक्स रेजिस्टेंस अक्रॉस सिटी है, ये वाला पार्ट का पूरा रेजिस्टेंस एक्स है, ये वाला पार्ट का पूरा रेजिस्टेंस एक्स है, यहाँ आर, ये आर है, टू आर है, ये आर टू आर है, तो टू आर इन पैरेलल विद टू आर इन पैरेलल विद एक्स इन पैरेलल विद एक्स. आई बात समझ में? चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे वो करते हैं. देखो जी, the figure shows a portion of electrical circuit, resistors are known and are indicated on the diagram and the voltmeters are identical. Ideal नहीं बोला है, identical बोला है. ठीक है, ideal and identical में difference है. Identical मतलब दोनों की resistance, सारे की resistance same होगी. इसका मतलब नहीं infinite resistance. All are having same resistances. ठीक है, अब उसने कह रखा है V1 की रीडिंग है 7.5, V2 की रीडिंग है 5 वोल्ट, मतलब ये 7.5 रीड कर रहा है और ये रीड कर रहा है 5 वोल्ट रीड कर रहा है, एंड आपको V3 की रीडिंग बतानी है. ठीक है, तुरंत से आप स्टार्ट करो वेरिएबल से, कि जैसे मान लेते हैं कि ऊपर के ब्रांच का करंट जो है वो I1 है, नीचे का ब्रांच का करंट I2 है एंड उसके नीचे का ब्रांच का करंट I3 है. तो डेटा सारे यूज किया करो, जो भी डेटा आपको दे रखे हैं वो सारे यूज करते हैं. जैसे एक ऑब्वियस सा डेटा ये है कि 7.5 वोल्ट एंड जो 5 वोल्ट है उनकी डेटा को पहला यूज करना. तो हम ये लिख सकते हैं कि I1 into जो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर होगा R1, मतलब लिखे तो V1 का लिखे तो V1 और V2 लिखो, या दोनों की तो रेजिस्टेंस सेम ही है, तो I1 into RV लिखेंगे तो ये 7.5 आना चाहिए. करेक्ट कह रहा हूं मैं, करेक्ट कह रहा हूं. सिमिलर तरीके से कि अगर मैं I2 into RV लिखूं, I2 into RV, तो ये वाली वैल्यू 5 आनी चाहिए. इसका मतलब I1 और I2 का जो रेशियो है, बेसिकली I1 I2 का रेशियो ये आपको मिल चुका है, दिस इज कमिंग आउट टू बी 3:2 आ रहा है. राइट, क्लियर है? क्लियर है? अब एक कंडीशन क्या है, एक कंडीशन ये है कि तीनों ब्रांचेस पैरेलल में, तो अगर तीनों ब्रांचेस पैरेलल में तो ऑब्वियस है कि तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम आना चाहिए. तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो इस टर्मिनल को कैसे लिख लेते हैं, इसको ए बी कह लेते हैं. तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी अगर निकाले तो ऊपर के ब्रांच से निकालते हैं पहले, तो ऊपर के ब्रांच से निकाले तो क्या लिख सकते हैं इसको, आई वन इंटू दिस विल बी 9 प्लस आर वी,
एंड इसी को अगर लिखें तो दिस कैन बी रिटन एज नीचे के प्लान से I2 into 14 plus RV. लिख सकते हैं क्या? देखो एक बार चेक करो, लिख सकते हैं. नहीं लिख सकते? हाँ सर लिख सकते हैं. बाकी सबको रिस्पॉन्ड करने में भी इतनी तकलीफ है, बेचारे कैसे बोल पाएंगे. यहाँ पे I1 और I2 का रेशियो आपको ऑलरेडी पता है, तो 3:2, ये रेशियो आप यूज कर लो, 3:2 आएगा. तो यहाँ से आपके पास आ रही है 27 प्लस 3 टाइम्स ऑफ RV इज इक्वल टू 28 प्लस 2 टाइम्स ऑफ RV. इसका मतलब वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस सिंपल 1 ओम है. ये बिल्कुल भी आइडियल वोल्टमीटर नहीं, आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए था, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है सिर्फ. अब जैसे ही आपको RV मिल चुका है तो ऑब्वियसली आपको पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB भी मिल जाएगा, क्योंकि अगर आपने RV निकाल चुका है तो I1 I2 भी आपको नोन हो चुकी है. तो आप श्योर होकर कह सकते हैं कि I1 आपका 7.5 एम्पियर का है एंड I2 जो है ये आपका 5 एम्पियर का है. ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB अगर मुझे चाहिए तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB हम लोग लिख सकते हैं, I2 से ही लिख लेते हैं, तो 5 टाइम्स ऑफ 14 प्लस 1, इसका मतलब ये आ जाएगा आपका 75 वोल्ट आ रही है. 75 वोल्ट आ रही है. तो यही 75 वोल्ट अगर नीचे वाले से अगर निकाले, नीचे वाले टर्मिनल से निकाले, तो इसकी वैल्यू को हम लिख सकते हैं, दिस वाज दिस विल बी इक्वल टू I3 इनटू 24 प्लस RV व्हिच इज 1. लिख सकते हैं सर? लिख सकते हैं? हाँ सर. तो अगर आप देखोगे तो I3 की वैल्यू यहां से मिल गई आपको, I3 की वैल्यू इज 3 एम्पियर आ रही है. और जैसे आपको I3 मिल चुका है तो वोल्टमीटर V3 का रीडिंग भी मिल जाएगा, दैट विल बी I3 into RV एंड I3 इज 3, RV इज 1, तो ये रीडिंग आपकी 3 वोल्ट की हो गई. दैट्स इट. देखो अगर कुछ कंफ्यूजन है तो पूछो. कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन है? अरे कोई कंफ्यूजन है या नहीं, हाँ या ना तो बोल सकते हैं. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. द सर्किट शोन इन द डायग्राम, the circuit shown in the diagram extends to the right to into infinity. Each battery has an electromotive force V, unknown air, and internal resistance R, known. Each resistor has a resistance of 4R. The reading of the ideal ammeter shown in the diagram is I. Find the value of V and V in terms of I and R. ये आपको find out करनी है. ये भी वापस से ऐसा ही क्वेश्चन है जिसको देखो, इसको एक अच्छी चीज दिखाता हूं मैं आपको. इसमें ये देखो, अगर मैं ये दोनों ब्रांच के अक्रॉस, ये दोनों ब्रांच जो निकली हुई है, ये दोनों ब्रांच को शॉर्ट सर्किट कर दो तो मुझे करंट मिल जा रहा है? मिलेगा नहीं करंट? हाँ सर. इन टर्मिनल्स को हम अपनी तरफ से कुछ एक नाम देते हैं, इसको ए एंड बी कह लेते हैं. ठीक है, अब वापस से जो आपको थोड़ी देर पहले यहाँ का कंसेप्ट सिखाया था, ये वाला 5 रेजिस्टेंस वाला, में ये वाले इस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट सिखाया था कि ए बी के अक्रॉस कुछ एक इक्विवेलेंट ईएमएफ एंड कुछ एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, और वो अगर आप उसको शॉर्ट करते हो तो सिंपली इक्विवेलेंट ईएमएफ बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का करंट फ्लो करेगा. यही तो होगा ना, सिखाया आपको अभी थोड़ी देर पहले. सेम कंसेप्ट को आप यहां पे भी यूज करेंगे, सेम कंसेप्ट है. अभी देखो ये सर्किट है हमारे लिए, और इस सर्किट में शॉर्ट सर्किट करने पे जो करंट आ रही है वो उसने आई दे रखी है. तो पहले ये फाइंड आउट करते हैं कि ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये कितना है. रेजिस्टेंस पहले ही फाइंड आउट कर लेते हैं. इसका रेजिस्टेंस अगर फाइंड आउट करें तो ये तो आराम से कर सकते हैं आप. इनफाइनाइट लैडर दिख रहा है, बैटरी से कोई मतलब नहीं है, बैटरी से शॉर्ट सर्किट ही हो जाएगा, होगा ना? हाँ सर. अगर मैं R इक्विवेलेंट अगर मैं X मान लेता हूँ,
इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ कि x will be 4R in series with R in parallel with x, ऐसा लिख सकते हैं ना, समझ आ रही है आपको? इनफाइनाइट लैडर वाला कंसेप्ट है, तो इसको लिख सकते हो 4R plus RX by R plus X. So यहां से आपके पास आ रही है RX plus X square is equal to 4R square plus 4RX plus RX. RX gets cancelled out and आपके पास वैल्यू आ रही है X square minus of 4RX minus of 4R square equal to 0 आ रही है. ये आ रही है ना? So, अब आपके पास x की वैल्यू अगर निकालनी है तो ये जाएगी 4r प्लस माइनस ऑफ b स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 16r स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 16r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. तो इसको ले सकते हो आप, ये हो जाएगा 2r प्लस पॉजिटिव रूट ही लेंगे तो 4 बाहर निकाला था तो 2 कटा था तो 2 रूट 2 r आ जाएगा. देखो x की वैल्यू मिल चुकी है आपको, दिस इज 2r कॉमन ले लो या 2 इनटू रूट 2 प्लस 1 इनटू r, ये आपकी रेजिस्टेंस मिल गई आपको, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इतनी आ रही है, दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. अब ये सोचो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस AB के अक्रॉस आएगा, मतलब इक्विवेलेंट अगर मैं बैटरी की तरह रिप्लेस करना चाहता हूं तो अगर मैं यहां पे टर्मिनल्स को अगर मैं C एंड D नाम दूं तो CD के अक्रॉस का सर्किट भी तो एकदम बिल्कुल सेम है. इसके राइट हाफ में देखो, इसको यहां से तोड़ के फिर इसके बाद का सर्किट देखो, आपको दिख रहा है राइट हाफ का सर्किट बिल्कुल सेम है. अच्छा सेम, ठीक है ना? इसका मतलब मैं यहां पे CD के अक्रॉस वापस से अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस AB के अक्रॉस कुछ भी एक यू नो x मान या x तो नहीं V0 मान लेते हैं या VAB को V0 मान लेते हैं, ऐसे लिख लेता हूं मैं यहां पे, लेट V अक्रॉस AB इज V0 मान लिया, ठीक है? तो CD के अक्रॉस भी जब आप बैटरी रिप्लेस करोगे तो उसको भी उस बैटरी का ईएमएफ को भी आपको बैटरी का ईएमएफ को आपको V0 लेना पड़ेगा. तो मैं ऐसे सर्किट को रीड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है? एक बार आप देखो इसको, इसको थोड़ा सा छोटा स्क्वीज इन कर देते हैं. सो व्हाट आई विल डू इज 4R फिर एक बैटरी है, सो देयरफॉर यहां से ऐसे कर लेते हैं, यहां पे 4R है फिर यहाँ पे एक बैटरी है, एंड यहाँ पे एक इक्विवेलेंट बैटरी आपने डाल दिया है, ये सीडी के क्रॉस आपने डाला है, ये इक्विवेलेंट ईएमएफ जो कि आपकी वी नॉट ही रहेगी, एंड आर इक्विवेलेंट जो कि आपकी 2√2 प्लस 1 इंटू आर ही रहेगी, और यहाँ पे आपका ये V और ये R है, क्लियर है? क्लियर है? तो अभी आप ये सोचो कि CD के अक्रॉस देखोगे तो दो पैरेलल बैटरी का कॉम्बिनेशन दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है? दिख रही है? हाँ सर. तो पैरेलल बैटरी के कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट ईएमएफ अगर आप फाइंड आउट करोगे, इक्विवेलेंट ईएमएफ तो कितनी मिलेगी आपको? हाँ सर, पैरेलल कॉम्बिनेशन विल बी V बाय R प्लस V नॉट बाय 2√2 प्लस 2 इनटू R divided by 1 by R plus 1 by 2√2 plus 2 into R. समझ आ रही है? E1 by R1 plus E2 by R2 divided by 1 by R1 plus 1 by R2. याद है आपको? हाँ सर. तो ये cancel out हो गया यहाँ से. तो equivalent EMF ये इसकी इसकी equivalent EMF find out कर रहे हैं, ठीक है? इसकी equivalent EMF find out कर रहे हैं. तो ये वाली value आपको मिल रही है. This is V into 2√2 plus 2 plus V0 divided by 2√2 plus 2, ठीक है? मतलब उस बैटरी का कॉम्बिनेशन को हटा के आप एक सिंगल बैटरी डाल सकते थे और उसकी ईएमएफ ये होती, बट आपको पता है ना कि AB के क्रॉस आपने कितना बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस माना था? V0 माना था? माना था या नहीं माना था? देखो यहाँ पे
एबी के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस हमने कितना माना था, वी नॉट का, तो वही तो उसका इक्विवेलेंट ईएमएफ हो गया, क्योंकि अगर आप इस कॉम्बिनेशन को रिप्लेस करके एक सिंगल बैटरी डाल रहे हो तो जो बैटरी का ईएमएफ होगा वही तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि कोई करंट नहीं फ्लो कर रही है। आ रही बात समझ में आपको? हाँ सर। तो ये वाली वीएबी को हम लोग वापस से वी नॉट डाल देंगे, ठीक है? तो इसको मैं यहाँ पे वापस से यहाँ पे फीड इन कर दूंगा, इसको यूज कर लेंगे, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ को वापस हमने वी नॉट यूज करना है। और अगर ध्यान से देखोगे तो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देखो ये इक्विवेलेंट ईएमएफ वी नॉट हमने यूज किया भी है, और यही वाली वैल्यू तो आपकी यहाँ पे भी आएगी क्योंकि इनफाइनाइट लैडर का नेटवर्क है, तो इसलिए अब इसको यूज कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं दिस इज वी नॉट एंड दिस इज इक्वल टू वी इंटू टू रूट टू प्लस वी नॉट एंड डिवाइडेड बाई टू रूट टू प्लस टू। अब इसको इधर लेके चले जाए तो टू रूट टू माइनस वन हो जाएगा, तो टू रूट टू माइनस वन इंटू वी नॉट इज इक्वल टू वी इंटू टू रूट टू प्लस टू। तो वी नॉट की वैल्यू बेसिकली आपको मिल चुकी है, सो वी नॉट इज कमिंग आउट टू बी वी इंटू टू रूट टू प्लस टू डिवाइडेड बाई टू रूट टू माइनस वन, सॉरी प्लस वन रहेगा शायद, हाँ प्लस वन रहेगा, माइनस वन नहीं रहेगा, प्लस वन रहेगा। समझ आई आपको? तो ये आपको वी नॉट मिल गई है। अब आपको पूछा क्या था उसने, करंट के साथ रिलेट करने के लिए बोला था, तो मैंने बेसिकली अभी क्या फाइंड आउट कर लिया है, सो बेसिकली मैंने ये किया है कि मैंने टर्मिनल ए और टर्मिनल बी के क्रॉस जो एक सिंगल इक्विवेलेंट बैटरी बनती, मैंने वो फाइंड आउट कर लिया है कि ए बी के क्रॉस जो सिंगल इक्विवेलेंट बैटरी बन रही है हमारी, वो क्या बन रही है। आई फाउंड आउट दिस, इसकी इक्विवेलेंट ईएमएफ इज वी नॉट एंड इसकी आर इक्विवेलेंट वाज टू रूट टू प्लस टू इंटू आर। एंड अब आप सोचो कि यहाँ पे अगर आप इसको शॉर्ट सर्किट कर देते हो तो ही तो करंट मिलेगा, यही उसने बोला था कि एमीटर लगाया उसने और एमीटर में एक करंट मिल रही है, इसको आपने शॉर्ट सर्किट किया, यहां से इसको शॉर्ट सर्किट किया, तो यहाँ पे डेफिनेटली करंट फ्लो कर रही होगी एंड ये करंट की वैल्यू उसने कैपिटल आई दे रखी है, हाँ कैपिटल आई यही वाली दे रखी है, दैट्स इट। तो अब आपकी वेली वैल्यू आएगी, अच्छा एक मिनट रुकिए, इसमें हमें निकालना था the value of reading of ideal ammeter, reading of ideal ammeter shown is I, हाँ ठीक है, ये वाली I के terms में हमें V को लिख लेना है, V के terms, ठीक है, तो इसकी value को हम लिख सकते हैं कि capital I will be equivalent EMF divided by R equivalent and equivalent EMF is V naught which is V into 2 root 2 plus 1, sorry plus 2, प्लस टू डिवाइडेड बाई टू रूट टू प्लस वन एंड आर इक्विवेलेंट वाज टू रूट टू प्लस टू इनटू आर। तो ये दिस इज कैंसिल आउट एंड ये आ रही है वी डिवाइडेड बाई आर, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं एक बार, रैशनलाइज कर लेते हैं राधा, तो टू रूट टू माइनस वन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा टू रूट टू माइनस वन एंड डिनोमिनेटर में हो जाएगा टू टू द फोर टू एट, एट 8 माइनस 1 मतलब 7 हो जाएगा, ये रही है क्या कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया गया, तो यहाँ से नहीं, इससे आंसर तो मैच नहीं किया, आंसर इट नॉट मैच, क्या कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, यस सर सर अच्छा नहीं नहीं ठीक है बिना रैशनलाइज के ही हो जाएगा क्योंकि वी की वैल्यू हमें निकालनी है, जस्ट अ सेकंड, तो यहां से डायरेक्टली लिख लेते हैं, तो वी की वैल्यू जो आ रही है दैट इज टू रूट टू प्लस वन इंटू आई आर आ रही है, टू रूट टू प्लस वन इंटू आई आर, टू रूट टू आंसर तो नहीं मैच किया फिर से, टू रूट टू प्लस वन इंटू आई आर, यही तो आ रही है, गलती होगी सर, वो टू रूट टू प्लस थ्री नहीं होगा, कौन सा बेटा सर वो जहां आपने इक्विवेलेंट ईएमएफ निकाला था, कुछ गलत कर दिया वहां, हाँ सर ये वाला सर आपने वी नॉट निकाला ना, वी इंटू टू रूट टू प्लस टू, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ 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 सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, यहाँ पे थ्री आएगा, यहाँ पे थ्री आ रहा है, यही ना,
देखो एक बार चेक करो, ये भी हाँ, सो ये थ्री आ जाएगा, ये भी थ्री हो जाएगा, अच्छा नहीं यहाँ थ्री नहीं, थ्री माइनस वन टू हो जाएगा ना, तो ये टू आएगा, ये टू हो जाएगा, फिर ये भी टू हो जाएगा, कट गया, ये पूरा का पूरा ही कट गया ना फिर, हाँ सर, तो बेसिकली ये वी आ गया, है ना? हाँ सर, सारे कट गया, ओके, सो इसको ऐसे लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगी वी डिवाइडेड बाय वी नॉट, तो वी आ गया, तो वी डिवाइडेड बाय टू रूट टू प्लस टू इनटू वी, सॉरी इनटू आर, एंड देयरफॉर वी का वैल्यू आप लिख सकते हो टू रूट टू प्लस टू एंड इनटू आई आर हो जाएगा। अब आपका आंसर मैच कर लो, टू रूट टू प्लस टू आई आर, ये ऑप्शन बी मैच कर लो, क्लियर है? हाँ सर, ठीक है। इनफाइनाइट ग्रिड का नेटवर्क मैंने आपको पहले दिखाया था, कैपेसिटर सर्किट्स में दिखाया था, बट उसमें बैटरी वगैरह का इक्विवेलेंट निकालना फाइंड नहीं कराया था, बट यहाँ पे आपने वो भी सीख लिया है, ठीक है, मतलब बैटरीज का भी एक इक्विवेलेंट ईएमएफ आप फाइंड कर सकते हैं इनफाइनाइट ग्रिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे दो स्फेरिकल शेल्स दिखा रखे हैं और दोनों के बीच में सेपरेशन लार्ज है, दोनों में चार्जेस आपको एक में प्लस क्यू और एक में माइनस क्यू दिखा रखा है, एंड दोनों के बीच का सराउंडिंग मीडियम जो है वो एक डायलेक्ट्रिक से फिल्ड है जिसके डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के एंड रेजिस्टिविटी भी रो दी हुई है। क्वेश्चन में दो पार्ट है, पहला पार्ट उसने पूछा है आफ्टर व्हाट टाइम विल द चार्ज रिड्यूस टू हाफ ऑन ईच सेल, मतलब इनिशियल का हाफ ले जाने में कितना टाइम लगेगा, ये पहला पार्ट है, और दूसरा पार्ट उसने पूछा है कि रेजिस्टेंस बिटवीन द टू कंडक्टर्स कितना होगा, दोनों के बीच में रेजिस्टेंस कितना आएगा आपको ये फाइंड करना है। आपको याद है आरसी सर्किट्स में एक टॉपिक मैंने पढ़ाया था उसमें लीकी कैपेसिटर, याद है लीकी कैपेसिटर, याद है आपको? हाँ, ये आरसी सर्किट्स में पढ़ाया था लीकी कैपेसिटर का। लीकी कैपेसिटर में क्या था आपका एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन था, आपको याद है कि जो उसकी टाइम कांस्टेंट टाउ होती है रो के एप्सिलॉन नॉट, ये इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशंस ऑफ कैपेसिटर होती है, याद है आपको? सर, इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशंस ऑफ कैपेसिटर रहती है, मतलब कैपेसिटर किसी भी तरह का हो, किसी भी साइज का हो, उससे कोई लेने देना नहीं है। तो अगर आप ऐसे सोचोगे जैसे दो प्लेट्स हैं, ये दो प्लेट्स हैं, एक में आपने प्लस क्यू एक में माइनस क्यू चार्ज दे रखा है, और इसके बीच का ये वाला मीडियम जो है ये पुअरली कंडक्टिंग है, पुअरली कंडक्टिंग है, तो पुअरली कंडक्टिंग अगर मीडियम लेते हो बीच में तो चार्जेस जो है बीच में लीक आउट करना स्टार्ट करेगा, नहीं करेगा? करेगा ना, करेगा सर। हम लोग आइडियली ये मानते हैं कि परफेक्ट इंसुलेटर है, बट परफेक्ट इंसुलेटर तो होता नहीं है, बेसिकली वो पुअरली कंडक्टिंग मीडियम आप बोलते हैं कि बेसिकली बहुत स्लो रेट से बेसिकली वो कंडक्शन अलाउ करेगा, मतलब इंस्टेंटेनियस करंट कभी आपको दिखेगा नहीं वहां पे, तो इसीलिए, बट चार्जेस तो लीक करेगा ही डेफिनेटली, टाइम कॉन्स्टेंट उसकी मे भी बहुत बड़ी होगी, बट डेफिनेटली वो वहां पे क्या करेगा, वहां पे चार्जेस लीक करना स्टार्ट करवाएगा, तो इसलिए सिंस ये पुअरली कंडक्टिंग मीडियम है इसके लिए चार्ज आपकी डिकेइंग इक्वेशन जब आप लिखोगे तो फर्स्ट पार्ट के लिए आप स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्टली लिख सकते हो कि चार्ज एट अ टाइम टी अगर लिखोगे तो आप लिखोगे कैपिटल क्यू इनटू ई टू द पावर माइनस ऑफ टी बाय टाउ लिखोगे, समझ आ रही है? जहां पे टाउ की वैल्यू आपको पता है रो के एप्सिलॉन नॉट, आर यू गेटिंग इट? हां सर, ठीक है, दिस इज चार्ज ऑन दी पॉजिटिव प्लेट वाला कैपेसिटर, तो ऑब्वियसली इसमें से चार्ज लीक करके मतलब पॉजिटिव प्लेट वाले से लीक करके कहां जाएगा, नेगेटिव प्लेट में ही तो जाएगा, तो अगर मैं ये वाली चार्ज को चेंज होकर दिखा रहा हूँ कि बाद में ये प्लस क्यू हो गई है तो ऑब्वियसली ये वाली चार्ज कितनी हो जाएगी आपकी, माइनस क्यू हो जाएगी ना, समझ आ रही है? क्योंकि सम ऑफ चार्ज तो आपका कांस्टेंट रहना चाहिए ना, और वो पहले जितना था जीरो तो बाद में भी जीरो रहना चाहिए, आर यू गेटिंग इट? गेटिंग इट? यस सर, ठीक है, तो ये चार्ज की वैल्यू आपने एज अ फंक्शन ऑफ टाइम यहाँ लिख ली है। अब उसने बोला है इसी चार्ज को हमें हाफ करना है तो क्यू बाई टू कर लेते हैं, यहाँ से क्यू क्यू कैंसिल आउट हो गया, दोनों तरफ एल एन ले लो, तो माइनस ऑफ टी बाई टाउ एल एन ई इज इक्वल टू एल एन ऑफ हाफ, विच इज बेसिकली माइनस ऑफ एल एन टू आ जाएगा, इसका मतलब t की वैल्यू हो गई है tau ln 2, ये आपकी आंसर हो जाएगी। Did you understand? Did you understand everybody? ठीक है, tau की वैल्यू rho के epsilon naught, वो जो ऑलरेडी मैंने दिखा रखा है, ठीक है?
सेकेंड पार्ट पे जो रेजिस्टेंस बिटवीन टू कंडक्टर्स निकालना है, ये भी आप आराम से निकाल सकते हैं। आपको पता है कि टाइम कॉन्स्टेंट जो टाउ होती है वो आरसी की वैल्यू प्रोडक्ट होती है, तो ये तो कैपेसिटेंस बिटवीन द टू प्लेट्स जो बेसिकली लेना होता है आपको। तो यहाँ पे आपके पास ये जो एक कंडक्टर है शेल प्लस क्यू वाला और दूसरा एक कंडक्टर है माइनस क्यू वाला, दे आर सेपरेटेड बाय अ लार्ज डिस्टेंस। आपको याद है इसका कैपेसिटेंस कितना होता है? 4 पाई ए बी बाई ए प्लस बी होता था, याद है? दो स्फेरिकल कंडक्टर्स लेते हैं रेडियस ए एंड बी का एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ लार्ज डिस्टेंस, तो उनकी कैपेसिटेंस होती है 4 पाई ए बी बाई ए प्लस बी। ये ऑलरेडी आपके कॉपी में डिराइव है, आप देख लेना वहां जाके, ठीक है? तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस विल बी रेजिस्टेंस आपको पता नहीं है, कैपेसिटेंस आपको पता है, दिस विल बी 4 पाई ए बी, तो ए इंटू ए लिख लेंगे एंड डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, मतलब ए प्लस ए लिख लेंगे, तो ए प्लस ए तो 2a हो गया बेसिकली, तो यहां से दिस बिकम्स r इंटू 2 पाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन पांच लगे, ये एप्सिलॉन नॉट भी रहेगा, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू a आ जाएगा। सो ये टाइम कांस्टेंट है एंड टाइम कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है, दिस इज रो k इंटू एप्सिलॉन नॉट एंड दिस बिकम्स r इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू a, एप्सिलॉन नॉट गेट्स कैंसिल्ड आउट एंड रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको मिल गई है रो k divided by 2 pi into a, that is the final answer. Clear? Sir. ये leaky capacitor के questions काफी popular हैं, जैसे JE में इसी तरह के question आया था पहले, जैसे उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसे बोला कि एक cylindrical shell है, ऐसे एक cylindrical shell ले लिया और इसको एक और cylindrical shell से surround कर दिया, मतलब ये एक लंबा सा shell मानिया, ऐसा एक लंबा सा shell है और इसको एक और शेल के से सराउंड कर दिया, और उसके बाद फिर क्या किया उन्होंने, उन्होंने बोल दिया कि इसमें हमने क्या किया, एक चार्ज क्यू थ्रो कर दिया, इन वाले पे चार्ज क्यू थ्रो कर दिया, और इसके बीच में जो मीडियम है, ये वाली मीडियम ये पुअरली कंडक्टिंग वैसे ही दे दिया, मतलब इसके लिए आपको, मतलब मीडियम के लिए आपको रो एंड के आपको दे दिया एंड आपको फिर वापस से वही एनालिसिस करना था बेसिकली कि चार्ज जो इसमें डीके कर रही है वो कैसे डीके कर रही है, तो चार्ज एक्सपोनेंशियल डीके होगी एकदम बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। करंट की वैल्यू भी आप निकालना चाहें तो बिल्कुल सेम तरीके से निकाल सकते हैं, और किसी एक क्रॉस सेक्शन पे जाके अगर आपको यू नो करंट डेंसिटी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो वो भी निकाल सकते हैं, कि जैसे अगर सपोजली यहाँ पे r डिस्टेंस पे अगर मुझसे पूछ लिया कि सेंटर से r डिस्टेंस पे बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कितनी आएगी, मतलब पूछ लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r एट अ टाइम t ये कितनी आएगी, अब ये फाइंड करो, तो j की वैल्यू को सिग्मा ही हम यूज कर सकते हैं, j की वैल्यू को हम यहाँ क्या करते हैं सिग्मा इंटू e लिख लेते हैं, सिग्मा को 1 बाई रो लिख सकते हैं, 1 बाई रो लिख लिया, जे की वैल्यू को हम करंट पर यूनिट एरिया लिख सकते हैं, तो एरिया लिखेंगे तो 2 पाई आर इंटू एल लिख लेंगे क्योंकि सिलेंडर है यहाँ पे, एंड इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कर लिया, तो करंट की वैल्यू एक्सपोनेंशियली डीके करेगी, तो आई इक्वल टू आई नॉट इनिशियल करंट इंटू ई टू द पावर माइनस ऑफ टी बाई टाउ, दैट्स इट, यही वाली वैल्यू आ जाएगी आपकी, आर यू गेटिंग इट? हाँ सर, ठीक है, यहां से ये आपका 2 पाई आर इंटू एल से डिवाइड हो गया यानी आपकी ई बाई रो आ गई, दैट्स इट, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एट रेडियल डिस्टेंस आर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल गई आपको, ये एक्सपोनेंशियली डिके करता हुआ है, ग्राफ बेसिकली इसमें पूछा था कि कैसा करंट की वैल्यू आएगी, तो एक्सपोनेंशियली डिकेइंग करंट मिलेगी, समझ आ रही है आपको? हाँ सर, ठीक है, सेम कंसेप्ट के क्वेश्चन आपके डिफरेंट डिफरेंट शेप में हो सकते हैं, मैंने यहाँ पे स्फेरिकल दिखा दिया, सिलिंड्रिकल का भी डिस्कशन कर लिया, बट आपके किसी भी तरह के भी आ सकते हैं, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन देखें, ये काफी अच्छा, ये भी काफी अच्छा सा क्वेश्चन है। एबीसीडी इज अ स्क्वायर फ्रेम ऑफ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी रो, एबीसीडी, अच्छा सीडी मार्क नहीं है, ये सी है, ये डी है, एबीसीडी इज अ स्क्वायर फ्रेम ऑफ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी रो, द फ्रेम लाइज इन वर्टिकल प्लेन, पीक्यू इज एन इमेजिनरी बाउंड्री सेपरेटिंग स्पेस इनटू टू पार्ट्स, द लेफ्ट पार्ट ऑफ पीक्यू a uniform gravitational field G exists, whereas no gravitational field to the right, to its right, मतलब right half में कोई gravity नहीं है और left half में आपकी gravity है, नीचे की तरफ G है, और उसने पूछा है, अच्छा mass and charge on electron दे रखा है, given mass and charge on electron is given, find the potential difference across AB, AB across potential difference आप find करनी है, तो पहला चीज तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि potential difference आएगा कहाँ से, इसको सोचने के लिए अब आपको सोचो ग्रेविटी एंड ग्रेविटी फ्री का क्या मतलब है, यहाँ पे अगर मैं एक फ्री इलेक्ट्रॉन लेता हूँ और यहाँ पे अगर एक फ्री इलेक्ट्रॉन लेता हूँ
तो क्या दोनों में कोई डिफरेंस होएगा? यहाँ का लेफ्ट हैंड साइड का जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसको ग्रेविटी नीचे खींच रहा होगा या नहीं? हाँ सर खींच रहा होगा। बट क्या इधर का जो राइट हाफ सीडी वाले रॉड में मैंने फ्री इलेक्ट्रॉन दिखा रखा है, क्या उसको कोई खींच रहा है? नहीं। जो डॉट्स दिखाया मैंने वो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, रॉड के लिए नहीं दिखा रहा हूँ, दिस अ फ्री इलेक्ट्रॉन जो डॉट की तरह मार्क कर रखा है, ठीक है। तो राइट हाफ वाला जो रॉड है उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इन अ स्टेट ऑफ फ्री फॉल, बट लेफ्ट साइड का जो रॉड है उसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है दे आर इन अ स्टेट ऑफ फ्री फॉल। एंड आपको पता है ये फ्री इलेक्ट्रॉन ही है, तो डेफिनेटली ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ एक्यूमुलेट होने स्टार्ट होंगे, नहीं होंगे? Will they start accumulating in the lower half? बताओ, अगर free electrons पे mg का force नीचे की तरफ लग रहा है AB वाले rod में, तो वो electron नीचे की तरफ accumulate होने start होंगे या नहीं होंगे? होंगे sir। होंगे। तो नीचे की तरफ accumulation करते हैं negative charges का। तो यहाँ पे जब ये negative charges accumulate होने start होंगे, सोचो, तो जैसे जैसे और ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएगा नेगेटिव चार्ज का एक्युमुलेशन बढ़ेगा। ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं कहां से? ऊपर के एंड से आ रहे हैं, तो ऊपर में पॉजिटिव चार्ज का एक्युमुलेशन होगा, तो ऊपर में पॉजिटिव चार्ज का एक्युमुलेशन होना स्टार्ट हो रहा है और नीचे की तरफ नेगेटिव चार्ज का एक्युमुलेशन स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप देखोगे तो ऊपर से नीचे की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही है, दिख रही है आपको? दिख रही है? हाँ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से डेवलप हुई? ड्यू टू सेपरेशन ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर से नीचे शिफ्ट किया ड्यू टू वेट, एंड इसकी वजह से ऊपर का एंड पॉजिटिवली चार्ज हो गया, नीचे का एंड नेगेटिवली चार्ज हो गया। जैसे जैसे शिफ्ट ऑफ चार्ज बढ़ता जाएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी बढ़ता जाएगा, एंड एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि और फर्दर इलेक्ट्रॉन को नीचे एक्युमुलेट होने नहीं देगा। डू यू अंडरस्टैंड दैट? हां सर। डू यू अंडरस्टैंड दैट? डू यू अंडरस्टैंड दैट? यस सर। ठीक है, तो अब आपके पास क्या होगा सिचुएशन यहाँ पे? अब आपके पास सिचुएशन ये है कि हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि ड्यू टू वेट, ड्यू टू ग्रेविटी द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑन द रॉड एवी गेट या start accumulating at the end B, and hence end A becomes positively charged and end B becomes negatively charged with more and more accumulation, the electric field developed due to this accumulation becomes stronger and at a particular strength it won't allow any further accumulation of charge, accumulation ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सिंपली। तो अब अगर सिचुएशन देखोगे तो ए और बी के बीच में अगर एक पोटेंशियल डिफरेंस आ गई है तो एसीडीबी वाला जो पार्ट है, सोचो एसीडीबी वाला पार्ट, ये वाला पार्ट में इधर से इधर क्या करंट नहीं फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा? करेगा सर। करेगा ना, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अब जनरेट हो गई है। तो ये अब बेसिकली यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गई, तो अब यहाँ पे करंट फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस कितनी जनरेट हुई है पहले आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अगर अगर सोचो कोई करंट नहीं होता, अगर इमेजिन करो कोई करंट नहीं होता, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड से मैं लेंथ ऑफ कंडक्टर को मल्टीप्लाई करके पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकता था, राइट? हाँ सर। बट वो तो जब करंट नहीं होता, बट यहाँ पे करंट तो फ्लो कर रहा है ना,
समझ आ रही है आपको? यहाँ पे करंट आ रही है, यही करंट आपकी आई इधर है, यही करंट आई इधर है, यही करंट आई इधर भी है, ठीक है? तो डेफिनेटली यहाँ पे करंट फ्लो करने की वजह से भी एक ड्रॉप तो आएगा ना, सर्टेन है पोटेंशियल का। समझ आ रही है आपको? ए बी वाले रॉड में करंट फ्लो करने की वजह से भी एक पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक यू नो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है, बट वो पोटेंशियल डिफरेंस ही उसका टर्मिनल वोल्टेज होता अगर करंट फ्लो नहीं करता। तो इसमें अगर आप देखोगे तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट अगर मैं ड्रॉ करता, इसका मैं एक बार इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करके दिखाता हूं, फिर आपको बेटर समझ आएगा। इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट आप ड्रॉ करें, ठीक है? इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये कुछ ऐसा दिखना है आपको। तो ये कुछ ऐसा दिखना है आपको, यहाँ पे एक बैटरी की तरह सोर्स सोचो, ये बेसिकली वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया है उसको मैं ईएमएफ से रिप्लेस कर रहा हूँ। इसके कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी हैं, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, और फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। इसकी रेजिस्टेंस अगर आर होगी तो इसकी भी आर होगी, इसकी भी आर होगी और इसकी भी आर होगी, एंड यहाँ पे इसकी एक ईएमएफ है। यहाँ पे ये ईएमएफ अगर आपको चाहिए तो ये ईएमएफ कैसे निकालोगे? मैंने आपको बताया जैसे कि अगर अगर करंट नहीं फ्लो करता तब जो पोटेंशियल डिफरेंस होता वही उसका ईएमएफ होता। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता? ई इंटू एल होता ही नहीं होता, राइट? तो इसकी वैल्यू, ये जो ईएमएफ हम लिख रहे हैं इसको हम लिख सकते हैं दिस इज ई इंटू एल, ठीक है? ये ईएमएफ लिखा है, दिस इज ईएमएफ, इक्विवेलेंट ईएमएफ। अभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे निकालोगे? आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट बंद हो चुका है तब तो इलेक्ट्रॉन पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा ना। ये एक्युमुलेशन जब चार्ज का बंद होगा तब उसके ऊपर नीचे का जो ग्रेविटेशनल पुल था उसको बैलेंस कौन करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, E into E? हाँ सर, राइट। तो इसका मतलब है यहां से आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो व्हेन ड्रिफ्ट स्टॉप्स, व्हेन मतलब एक्युमुलेशन स्टॉप्स लिख सकते हैं आप, एक्युमुलेशन स्टॉप्स, तब आप लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज विल बी इक्वल टू mg। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको वैल्यू मिल गई है, mg बाई E मिल रही है। तो ये वाली वैल्यू को आप वहां यूज कर लेंगे। तो अब इसमें जो करंट फ्लो कर रही है I, ये करंट की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास? दिस करंट विल बी ईएमएफ डिवाइड बाय 4R, एंड ईएमएफ आपको पता है वो E into L है, तो MGL डिवाइडेड बाय E, एंड यहाँ पे 4R आ जाएगा। तो ये करंट मिल गई आपको, और आपको पूछा उसने क्या था, क्वेश्चन में पूछा था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB, मतलब ये टर्मिनल A था और ये टर्मिनल B था, तो AB के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितनी लिखेंगे आप? E माइनस IR भी लिख सकते हो, या फिर डायरेक्टली I into 3R भी लिख सकते हो, दोनों से आंसर आएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी चाहिए तो आप लिख लो ये ई माइनस ऑफ आई आर, जो नॉर्मली एक बैटरी के लिए करते हैं, तो ई माइनस ऑफ आई आर लिखना है, या फिर इसी को आप आई इंटू थ्री आर भी लिख सकते हो। तो मैं आई इंटू थ्री आर ही लिख लेता हूँ, तो थ्री फोर्थ ऑफ एम जी एल डिवाइडेड बाई फोर टाइम्स ऑफ ई आर, यही आंसर हो जाएगा। समझ आइए सभी को? हाँ सर, ठीक है। हाँ। चलो अभी ये लास्ट क्वेश्चन आज के लिए करते हैं। इन द सर्किट शोन बिलो द की इज प्रेस्ड एट टाइम t इक्वल टू 0, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू? द वोल्टमीटर डिस्प्लेस माइनस 5 वोल्ट एज सून एज द की इज प्रेस्ड एंड डिस्प्लेस प्लस 5 वोल्ट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। मतलब एक है t इक्वल टू 0 पे सिचुएशन क्या है और एक है कि स्टेडी स्टेट में सिचुएशन क्या है। आपको एटलीस्ट ये तो पता है कि वोल्टमीटर आइडियल है, वोल्टमीटर विल बी आइडियल, ठीक है? जब नहीं देते हैं कुछ भी तो आप ये मान के चलते हैं कि वोल्टमीटर हमारा आइडियल होगा। और दूसरा ये है कि आपको ये पता है कि जब हम t इक्वल टू 0 पे स्विच को क्लोज करते हैं तो कैपेसिटर अगर हमारे अनचार्ज्ड है तो वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करते हैं, और स्टेडी स्टेट जब आ जाएगा तब कैपेसिटर हमारा फुल्ली चार्ज हो जाएगा, और जब वो फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इस सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट अगर मैं बोलूं कि क्या दिखेगा आपको,
तो इक्विवेलेंट आप ऐसे सोच सकते हो कि इसका एक सर्किट में ड्रॉ कर ही देता हूँ, यहाँ पे चार ब्रांच है, तो एट टी इक्वल टू जीरो का पहले बनाते हैं, एट टी इक्वल टू जीरो कैपेसिटर्स बिहेव शॉर्ट सर्किट, बिहेव एज शॉर्ट सर्किटेड वायर्स। तो अभी इसका एक बार दिखा देते हैं, कैपेसिटर तो इधर वाले ब्रांच में, ठीक है, तो यहाँ पे एक शॉर्ट सर्किट करेंगे, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस रखेंगे, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस रखेंगे, ये यहाँ पे वापस से शॉर्ट सर्किट होगा, और बीच में एक वोल्ट मीटर है हमारा, ये वोल्ट मीटर लगा दिया, ये हमारा करंट सिनेरियो है। एक बार वैल्यूज मार्क कर लेते हैं, 5 वोल्ट का बैटरी है, 50 एंड 25 ओम्स, 5 वोल्ट का बैटरी है और ये 50 ओम्स है, नहीं किलो ओम्स है, सॉरी किलो ओम्स, यानी ये 25 किलो ओम्स का है, यही है ना सिचुएशन, देख लो एक बार। हाँ सर, ठीक है, अब एक बार आप ये चेक करो कि कौन सा पॉइंट लोअर पोटेंशियल पे है वोल्ट मीटर का, चेक करो कौन सा पॉइंट लोअर पोटेंशियल पे है। अगर मैं यहाँ पे जीरो लूँ तो ऑब्वियसली ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, और इधर जीरो है तो ऑब्वियसली इधर फाइव होगा, तो ये भी फाइव है, ये भी फाइव है, ये भी फाइव है, दिख रही है आपको, दिख रही है? हाँ सर। इसका मतलब वोल्ट मीटर का ऊपर वाला एंड हायर पोटेंशियल पे है और नीचे वाला एंड लोअर पोटेंशियल पे है, जबकि बैटरी देखो डायग्राम में पोलैरिटी देखो कैसा मार्क किया उसने, ऊपर में लोअर है नीचे में हायर, दिख रहा है? हाँ सर। इसका मतलब वो उल्टा रीड कर रहा है ना, समझ आ रही है? तो इसका मतलब रीडिंग क्या आएगी आपकी, -5 वोल्ट, समझ आ रही है? समझ आई आपको? ठीक है, हमारे सर्किट में ये प्लस है और ये माइनस है, समझ आ रही है आपको? हाँ सर। है ना, बट उसके सर्किट में उसने पोलैरिटी कनेक्ट कैसे कर रखा है, इस तरह से, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, समझ आइए? मतलब बेसिकली आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि जैसे इसको टर्मिनल अगर नाम दूं मैं, इसको ए बोलूं और इसको बी बोलूं, तो आपको ये बताना है कि बी का पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू ए कितना है, आपको सिंपल तरीके से यही बताना है, मतलब ए के रेस्पेक्ट में आप बी का पोटेंशियल कितना है ये बताओ, मतलब वी बी माइनस वी ए बताओ कितना होगा। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग हमेशा ऐसे लेंगे आप, ठीक है, मतलब जिधर नेगेटिव मार्क कर रखा है और जिधर पॉजिटिव मार्क कर रखा है, तो वोल्ट मीटर रीडिंग में वी प्लस माइनस वी माइनस करना है, ठीक है, वोल्ट मीटर रीडिंग लेंगे अगर, तो इसको आप लिखोगे वी प्लस माइनस ऑफ वी माइनस लिखोगे, आर यू गेटिंग इट, आर यू गेटिंग इट? तो ये कितनी आएगी, 0 -5 व्हिच इज बेसिकली -5 वोल्ट। तो ये ऑप्शन पहला वाला ऑप्शन देखो, वही कह रहा था कि वोल्ट मीटर डिस्प्लेज -5 वोल्ट एज सून एज द की इज प्रेस्ड, तो ये वाला पार्ट तो करेक्ट हो गया, अभी स्टेडी स्टेट वाला बात करना है, लॉन्ग टाइम के बाद भी पूछा है, तो मैं एक बार इसको वापस से कॉपी पेस्ट कर देता हूं, अब t इक्वल टू इनफिनिटी का ले रहे, ठीक है, t इक्वल टू इनफिनिटी मतलब स्टेडी स्टेट का, एंड कैपेसिटर अभी ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ओपन सर्किट, और ओपन सर्किट मतलब यहां पे आपको अब वायर नहीं, आपको वायर को खोल देना है यहां पे, ऐसा, आ रही बात समझ में? हाँ सर। अभी खुल गया सर, ऐसा सिचुएशन है, ठीक है, अब आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करनी है कि रीडिंग कितनी आएगी मीटर की, अब ये बताओ, तो फिर से स्टार्ट करें, यहाँ पे कैपेसिटर तो ऑलरेडी चार्ज हो चुके हैं, चार्जेस फ्लो नहीं करने दे रहा है वो, और वोल्ट मीटर भी तो करंट नहीं फ्लो करने देगा क्योंकि वोल्ट मीटर आइडियल है, वोल्ट मीटर बीइंग आइडियल वो खुद के थ्रू करंट नहीं फ्लो करने देगा, अगर वोल्ट मीटर आइडियल नहीं होता तो करंट इधर से इधर होके
फिर इधर से इधर होके, फिर इधर से इधर होके, फिर इधर चला जाता, समझ आ रही है? देखो तो एक बार, दिख रही है आपसे? अगर ये एमीटर होता तो पक्का इस तरह से फ्लो कर जाता, क्योंकि शॉर्ट सर्किट एमीटर खुद जीरो रेजिस्टेंस का होता है, बट वोल्टमीटर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का होता है, इसलिए वो करंट फ्लो करने ही नहीं देगा। और अगर करंट फ्लो नहीं करने दे रहा है तो इसका मतलब सर्किट में कहीं भी करंट नहीं है। क्या आपको समझ आ रहा है? सिर्फ कैपेसिटर वाले ब्रांच में ही नहीं, बाकी सर्किट में भी कहीं कोई करंट नहीं दिख रहा है। डू यू रियलाइज दिस? यस सर। ठीक है, अब करंट है ही नहीं तो रेजिस्टेंस में क्या कोई पोटेंशियल ड्रॉप आएगा? आएगा क्या? एज वोल्टमीटर इज आइडियल, दिस इंप्लाइज नो करंट एनीवेयर इन द सर्किट, एनीवेयर इन सर्किट। अब कहीं पे भी करंट नहीं है, ठीक है? तो अब आपको क्या दिखेगा? आपको यहाँ पे जैसे 5 वोल्ट मैंने मार्क किया, तो यहाँ भी 5 वोल्ट होगा, यहाँ भी 5 वोल्ट होगा, यहाँ भी 5 वोल्ट होगा। सही लिखा है मैंने? देखो तो एक बार चेक करो। हाँ सर। अब इधर जीरो लिखा है तो इधर भी जीरो होगा और इधर भी जीरो होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस में तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप आ नहीं रहा है। इस बार देखोगे तो ठीक है, ऊपर वाले के रेस्पेक्ट में नीचे वाला पॉइंट देखो, हायर पोटेंशियल पे आपको दिख रही है। yes. तो इस बार 5 माइनस 0 ये कितना जाएगा? 5 वोल्ट ही हो जाएगा, दैट्स इट। और पहला वाला ऑप्शन अब देखोगे तो करेक्ट हो गया, क्योंकि ये वाला पार्ट भी अब करेक्ट हो गया, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, तो इसलिए अब आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर है? हाँ सर। अब उसने पूछा है वोल्टमीटर विल डिस्प्ले 0 वोल्ट एट अ टाइम t इक्वल टू LN2। अब ये फाइंड करना है। तो वोल्टमीटर का अगर आपको रीडिंग फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करोगे? आप ऐसा कर सकते हो कि आपको ऊपर वाला एंड का पहले पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, नीचे वाले एंड का पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, और उसके बाद फिर उनका डिफरेंस ले लो। डिफरेंस लोगे वही तो वोल्टमीटर की रीडिंग होगी, और उसकी वैल्यू देख लो कि जीरो कब आ रही है। अब इसको फाइंड करना इतना डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा आसानी है, बस सोचने की आपको तरीका चाहिए। कि जैसे मैंने इसको जब क्लोज किया, आप देखो ये वाला जो ब्रांच है, ये वाला ब्रांच देखो, आप ऊपर वाला जो ब्रांच है, ये वाला ब्रांच देखो और ये वाला ब्रांच देखो। अगर मैं बोलूं कि ये जो ऊपर का RC है, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस देखो, वो 5 वोल्ट ही है या नहीं है? हाँ सर। क्या इसका मतलब, अगर इसका रेजिस्टेंस और इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस अगर फिक्स्ड है, तो इसके ब्रांच का करंट क्या नीचे वाले ब्रांच से इफेक्ट होगा? मतलब इस ब्रांच में क्या है, क्या उससे इफेक्ट होगा इसका करंट I1? नहीं सर, क्योंकि ये तो सिंपली RC कॉम्बिनेशन हो गया। देखो एक कैपेसिटर, एक रेजिस्टेंस है और उसके अक्रॉस एक बैटरी कनेक्टेड है, सिंपल RC कॉम्बिनेशन हो गया। तो उसमें करंट की वैल्यू एक्सपोनेंशियली डिकेइंग जो इक्वेशन आती है, वो आराम से लिख सकते हो आप यहाँ पे। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऊपर का ब्रांच और नीचे का ब्रांच में इंडिपेंडेंट करंट फ्लो करेगा, ये आपको रियलाइज करने की जरूरत है, क्योंकि 5 वोल्ट का बैटरी डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसीलिए दोनों की ब्रांच की करंट एक दूसरे से अनअफेक्टेड रहने वाली है। तो मैंने क्या किया, यहाँ के करंट को I1 माना और यहाँ के करंट को I2 माना, और इंडिविजुअली दोनों करंट को अब लिखेंगे। देखो ऊपर वाले ब्रांच का अगर टाइम कॉन्स्टेंट tau1 निकाले ऊपर वाले ब्रांच के लिए, तो RC लिखेंगे, मतलब यहाँ पे R1 into C1 लिखेंगे, तो 25 into 40 into 10^-3 आएगा, क्योंकि माइक्रो है और किलो है, तो 10^-3 एक बचा रहेगा, तो 25 into 40 हो गया 1000, 1000 मतलब, अच्छा ये तो 1 सेकंड ही आ रहा है, तो 1 सेकंड आ रही है। नीचे वाले के लिए टाइम कॉन्स्टेंट निकाले tau2, tau2 आएगी R2 into C2, और ये आएगी 50 into 20 into 10^-3, ये भी 1000 मतलब 1 सेकंड ही आ रही है। दिख रही है आप सबको? हाँ सर। इसका मतलब दोनों का टाइम कॉन्स्टेंट क्या है, सेम ही है, दोनों की टाइम कॉन्स्टेंट सेम है। अब इंडिविजुअली इसमें इसमें इनिशियल करंट I1 और I2 में कितना होता, 5 वोल्ट डिवाइडेड बाई 25 किलोम्स एंड 5 वोल्ट डिवाइडेड बाई 50 किलोम्स, वो दोनों के इंडिविजुअल करंट होते इनिशियली, क्योंकि इनिशियली तो कैपेसिटर चार्ज नहीं था, तो इसीलिए उसको शॉर्ट सर्किट करके करंट आप इंडिविजुअली निकाल सकते थे। यहाँ पे ये वाला डायग्राम ये देखो, अगर आप यहाँ का करंट देखोगे, यहाँ का करंट, तो ये करंट I2 है ना, नीचे का ब्रांच का करंट, ये I2 इनिशियली है, ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 10^-3, मतलब बेसिकली आप 0.1 mA लिख सकते हो। और यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा, दिस विल बी 5 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 10^-3, मतलब ये 1/5 मतलब 0.2 mA लिख सकते हो, समझ आ रही है? तो अब यहाँ पे इस सेकेंड पार्ट के लिए प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है? तो सेकेंड पार्ट के लिए लिखें, तो I1 की वैल्यू हमने निकाल ली है, दिस इज I1 की वैल्यू विल बी 0.2 mA,
0.2 मिली एम्पियर इंटू ई टू द पावर माइनस ऑफ टी बाई टाउ वन, मतलब ये इसको लिख सकते हो 0.2 मिली एम्पियर इंटू ई टू द पावर माइनस टी, क्योंकि टाउ वन तो वन ही है. एंड आई टू निकालोगे तो आएगा 0.1 मिली एम्पियर into e to the power minus t by tau 2, and this can be written as 0.1 milliampere into e to the power minus t. ye aayegi i1 i2. ab i1 i2 agar mil chuki hai i1 i2 agar mil chuki hai to yahi wali current i1 to idhar bhi flow kar rahi hai, yahan pe bhi i1 hi hai, to yahan pe hum log likh sakte hain point a ki potential, point a isko mark kiya hai, isko point b mark kiya hai. तो पॉइंट ए का पोटेंशियल को लिख सकते हैं, इसको जीरो मार्क कर लेते हैं, इस एंड को जीरो मार्क कर लिया तो ऑब्वियसली ये वाला भी जीरो हो गया. तो पॉइंट ए का पोटेंशियल यहाँ पे प्लस आई वन इंटू आर वन हो जाएगा. समझ आ रही है आपको? जंक्शन देखो, दिख रही है आपको? हाँ सर. ठीक है, और अगर इधर देखेंगे तो आप 5 वोल्ट है ये, तो यहाँ पे पॉइंट बी का पोटेंशियल लिखना है तो 5 माइनस ऑफ आई टू इंटू आर टू लिख सकते हैं. दिख रही है? हाँ सर. तो रीडिंग जीरो तब होगी जब ए और बी का पोटेंशियल सेम आ जाए, तो बस उसको इक्वेट कर देते हैं. सो देयरफॉर रीडिंग इक्वल टू जीरो इंप्लाइज पोटेंशियल ऑफ ए हैज टू बी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बी, एंड पोटेंशियल ऑफ ए विल बी आई वन आर वन, एंड पोटेंशियल ऑफ बी मतलब हो जाएगा 5 माइनस ऑफ आई टू आर टू. आई वन की वैल्यू आपने निकाली है 0.2 मिली एम्पियर, मतलब 10 to the power -3 into e to the power minus t, and resistance R1 was 25 किलो ओम्स, so 25 into 10 to the power 3, and this should be equal to 5 minus of I2. I2 was 0.1 मिली एम्पियर into, अच्छा उल्टा तो नहीं लिख रहा हूँ मैं, 0.2 किसका ब्रांच का था, नीचे वाला नहीं, ठीक है. 0.1 मिली एम्पियर मतलब 10 to the power -3 and into e to the power minus t, and into resistance R2, which is 50 kilo ohms, 50 into 10 to the power 3 हो जाएगा. तो 10 to the power minus 3, 10 to the power 3 cancel out हो गया, और यहाँ पे आपके पास decimal 25 into 2, 50, 5 आ जाएगा, 5 e to the power minus t is equal to 5, and यहाँ पे decimal ये हट जाएगा, तो यहाँ पे भी 5 minus 5 e to the power minus t आ रही है. तो ये हो गई आपकी 10 e to the power minus t is equal to 5. तो यहाँ से 2 आ गया, e to the power minus t की वैल्यू आ गई है 2 to the power minus 1. इसका मतलब t की वैल्यू आपकी ln 2 आ गई है. ये आंसर हो गया. ये ऑप्शन भी मैच कर गया. वोल्ट मीटर की रीडिंग आपकी 0 वोल्ट आएगी t equal to ln 2 पे. उसके बाद उसने क्या रखा है, सी में the current in ammeter becomes 1/E of initial value after 1 second. तो 1 second initial value current आपका कितना है, i1 plus i2 है, और आफ्टर 1 सेकेंड आपको निकालनी है तो आई वन आई टू का सम कर लो. आई वन आई टू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम तो आपको पता ही है, तो इसको कर लो आप. थर्ड पार्ट कर रहे हैं, I जो नेट होगा वो होगा आई वन प्लस आई टू. आई वन और आई टू आपने निकाल रखा है, एक है 0.2 मिली एम्पियर और यहाँ है 0.1 मिली एम्पियर, और ई टू द पावर माइनस टी तो कॉमन ही है, तो 0.3 मिली एम्पियर इंटू ई टू द पावर माइनस टी. ठीक है, और ये वाली वैल्यू उसने कह रखी है मुझे हाफ, ठीक है बोला उसको, द करंट इन द एमीटर बिकम्स 1/E टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू आफ्टर 1 सेकेंड, तो 1/E चाहिए, तो इसका मतलब ये चाहिए हमें 0.3 मिली एम्पियर बाय ई चाहिए, यही चाहिए ना सर, राइट? तो ये 0.3 कैंसिल आउट हो गई, तो ई टू द पावर माइनस 1 की वैल्यू ई टू द पावर माइनस टी आ गई है. इसका मतलब टी का वैल्यू कितना हो गया, 1 सेकेंड आ रहा है. हाँ सर. ठीक है, द करंट इन द एमीटर बिकम्स 1/E ऑफ द इनिशियल वैल्यू आफ्टर 1 सेकेंड, तो ये भी करेक्ट हो गई है. समझ आइए? ठीक है, और करंट इन द एमीटर बिकम्स 0 आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, और ये तो आपको पता ही है, ये स्टेडी स्टेट में ऑलरेडी आपको समझाया, जब स्टेडी स्टेट आया था तब तो कोई करंट फ्लो ही नहीं कर रहा था, किसी के थ्रू फ्लो नहीं कर रहा था, तो एमीटर के थ्रू कहां से फ्लो करेगा, तो इसलिए ऑप्शन भी करेक्ट हो गया. चार ऑप्शन आपके करेक्ट आ गए. समझ आई? हाँ सर. ठीक.